सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो आज हम डबल डिजिट में पहुंच गए हैं 10. शॉर्टली आप देखेंगे नंबर 30 लिखा हुआ 30, 50, 70, 80 एंड द कोर्स विल बी ओवर. सो लास्ट टाइम हम सेक्शन 40 पर थे, पेज 153. सेक्शन 40 क्या होता है? डिसअलाउंसेस. अगर आप कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कोई भी सम जो चार्जेबल है अंडर दिस एक्ट, वो पेबल है आउटसाइड इंडिया टू द नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, या फिर चाहे वो इंडिया में आके ले रहा है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, उस पर TDS डिडक्ट नहीं हुआ. डिडक्ट कब नहीं हुआ? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. या फिर डिडक्ट हुआ है, डिडक्ट होने के बाद इट हैज नॉट बीन पेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. उस केस में इंटरेस्ट, रॉयल्टी वगैरह डिसअलाउ हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द असेसी. प्रोवाइडेड क्या कहता है कि अगर ये टैक्स डिडक्ट होता है नेक्स्ट ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में, या फिर डिडक्ट ईयर में हो गया तो प्रीवियस ईयर में, बट पे होता है नेक्स्ट ईयर में आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो जिस साल में TDS पे होगा उस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगी. हम एनालिसिस पढ़ रहे थे, हमने कर लिया था एनालिसिस, राइट, कि टैक्स डिडक्टेबल है. सो एनी ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट टेक प्लेस, TDS आपने काटा नहीं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर TDS आपने काट लिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट नहीं जमा किया बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न. प्रोविजन ये भी कहती है अगर टैक्स आपने डिडक्ट किया नेक्स्ट ईयर्स में, या फिर डिडक्ट कर लिया था प्रीवियस ईयर में बट जमा किया ड्यू डेट के बाद, तो जो एक्सपेंस आपका अलाउ होगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच द TDS हैज बीन पेड. एग्जाम्पल देखिए, 20/6/21 को TDS कटना था, 26/6/21 को कट गया. जमा करने की टाइम थी 7 जुलाई, जमा हुआ 31/22 को. एक्सपेंस आपका अलाउ जाएगा प्रीवियस ईयर 21/22 में. हाँ, TDS लेट जमा करने की आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, जब आप TDS पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. ये 26/7/21 को कटना चाहिए था, 26/7/21 को कट गया. 7 अगस्त को जमा होना चाहिए था, 2 सितंबर को जमा हुआ. प्रीवियस ईयर 21/22 में अलाउ हो जाएगा आपको ये. 31/2022 को कटना चाहिए था, 31/2022 को कट गया. 30 अप्रैल को जमा होना चाहिए था, आपने 30 जून को जमा कर दिया, ड्यू डेट से पहले जमा कर दिया, therefore इट्स अलाउड इन प्रीवियस ईयर 22. 31/22 को कटना चाहिए था, 31/22 को कट गया. 30/4 को जमा होना चाहिए था, आपने ड्यू डेट के बाद जमा किया है, आपको अलाउ होगा प्रीवियस ईयर 23 में. 16/5/21 को कटना चाहिए था, 16/5/21 को कट गया. 7/6/21 को जमा होना चाहिए था, आपने जमा ही नहीं किया, डिसअलाउ हो जाएगा. 1/12/21 को कटना चाहिए था, आपने काटा नहीं. अगर काटते तो 7 जनवरी तक जमा करते, TDS आपने अपनी पॉकेट से पे कर दिया, 31/5/22 को अपने पॉकेट से पे कर दिया. इस पे स्टार लगाइए. सो 1/12/21 को TDS कटना चाहिए था, आपने काटा नहीं, और 31/5/22 को अपनी जेब से जमा करा दिया. एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा बिकॉज
सेक्शन कहता है कि अगर टीडीएस नहीं काटा आपने, इट विल बी डिसअलाउड, एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। स्टार लगा लीजिए, अभी देखते हैं 10/6/21 को कटना चाहिए था, आपने प्रीवियस ईयर के बाद काटा 20 अप्रैल 22 को, 7/7 को जमा होना चाहिए था, आपने 20/7/23 को जमा किया, अलाउ होगा प्रीवियस ईयर 24 में। जो हमने स्टार वाला केस है, स्टार वाला, टीडीएस आपने काटा नहीं, अपनी जेब से जमा कर दिया। कुछ याद आया? हमने पेज 140 पर एक केस किया था, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। हमने एग्जांपल लिया था कि 10 लाख की कोलैबोरेशन फीस थी, टीडीएस 1 लाख कटना चाहिए था, काटा नहीं, असेसी ने अपनी जेब से जमा कर दिया। तो हमने कहा था कि 1 लाख बैड डेट अलाउ नहीं होगा। यहीं पर लिखिए, यहीं पर लिखिए, टेन लाख पेज 140, कोलैबोरेशन फीस विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A1 सिंस टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। पेज 155 पे जो आपने स्टार लगाया है, स्टार को नीचे डिफाइन कर लीजिए, सी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट ऑन पेज 140। क्लियर है? सो 40A1 लगता है अगर आप पेमेंट करेंगे नॉन रेजिडेंट को और टीडीएस आपने काटा नहीं, काटकर ड्यू डेट तो जमा नहीं किया, तो 100% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है। 40A1 डील करता है पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स, पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स। बिल्कुल सेम फ्रेमिंग है जो 40A1 की है, सिर्फ यहां पर चेंज ये है कि 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है, 30% ऑफ द एक्सपेंसेस डिसअलाउड इंस्टेड ऑफ 100%। सो 40A1 ये कहता है कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं रेजिडेंट को जिस पर टीडीएस कटना चाहिए था और ड्यूरिंग द प्रीवियस आपने टीडीएस काटा नहीं, या फिर ड्यूरिंग द प्रीवियस आपने काट लिया बट ड्यू डेट तक जमा नहीं किया, तो 30% ऑफ द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। आप अगले साल काट लेते हैं या ड्यू डेट के बाद जमा करते हैं, तो जिस प्रीवियस ईयर में आप जमा करेंगे उस प्रीवियस ईयर में 30% एक्सपेंस आपका अलाउ कर दिया जाएगा। देखिएगा सेक्शन 40A1A पेज 156, ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, फॉलोइंग शैल बी डिसअलाउड 30% ऑफ एनी सम पेएबल टू अ रेजिडेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स
अंडर चैप्टर 17 बी, यानी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है चैप्टर ऑफ टीडीएस में, एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और आफ्टर डिडक्शन, आपने डिडक्ट तो कर लिया प्रीवियस ईयर में, हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1), तो 30% ऑफ द एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा, प्रोवाइडेड सेम है कि अगर आपने टैक्स नेक्स्ट ईयर में काटा या फिर टैक्स आपने प्रीवियस ईयर में काट लिया था बट ड्यू डेट के बाद जमा किया, तो 30% एक्सपेंस आपका अलाउ हो जाएगा जस्ट प्रीवियस ईयर में टीडीएस आप पे करते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सबसिक्वेंट ईयर और has been deducted during the previous year but paid after the due date specified in section 139(1), to 30% of such sum shall be allowed as deduction in computing the income of the previous year in which the TDS has paid. Ek bada favorite question examiner ka, jo aapko 15 marks question aata hai, usme ek adjustment hoti hai. आपको प्रीवियस ईयर 22 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और नीचे नोट्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 10 लाख की ऑडिट फीस 31 मार्च 2021 में डेबिट की गई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस पे 1 लाख का टीडीएस डिडक्ट हो गया था 31 मार्च 2021 में, बट ये टीडीएस आपका पे हुआ है 31 जनवरी 2022 को. तो देखिए मेरे करंट ईयर 31 मार्च 2022 में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा होगा इससे पर्टेनिंग, ये 10 लाख तो मेरा लास्ट ईयर 31 मार्च 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया होगा और जब मैंने 31 मार्च 2021 की यानी असेसमेंट या 21-22 की रिटर्न ऑफ इनकम बनाई होगी तो इसका 30% डिसअलाउ कर दिया होगा 40A(1A) में, बिकॉज टीडीएस पे हुआ है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. तो अब आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर 22 की जो रिटर्न बनाएंगे आप, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2022 की रिटर्न जो बनाएंगे आप रिटर्न यानी असेसमेंट 22-23 वहां पर रिटर्न ऑफ इनकम में लेस करेंगे 30% ऑफ 10 लाख और नरेशन लिखेंगे कि 3 लाख वॉज डिसअलाउड अंडर 40A(1A) लास्ट ईयर 31 मार्च 2021 बिकॉज टीडीएस वॉज नॉट पेड बाय द ड्यू डेट, इट्स अलाउड इन द करेंट ईयर एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 40A(1A). इधर देखिएगा नेक्स्ट प्रोविजो करने जा रहे हैं हम, नेक्स्ट प्रोविजो करने जा रहे हैं हम, पहले ये वाली प्रोविजो जो देख रहे हैं, दिस वॉज ओनली इन केस ऑफ पेमेंट टू रेजिडेंट्स, ये प्रोविजो वॉज ओनली इन केस ऑफ पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स 40A(1A), ऐसी प्रोविजन नहीं थी 40A(1) में. बट निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फाइनेंस एक्ट 19 से सेम प्रोविजन इंसर्ट की 40A(1) में, अभी करते हैं. एक इधर देखिएगा, सपोज मैं असेसी हूं, मैंने ऑडिटर है लेट्स से EY,
इनको 10 लाख की ऑडिट फीस पे करनी है, करेक्ट। सपोज 31 मार्च 22 में 10 लाख की ऑडिट फीस पे करनी है, तो मुझे टीडीएस काटना चाहिए था 1 लाख रुपीज 10%, बट मैंने नहीं काटा, मैंने नहीं काटा। अभी जो पढ़ा आपने अभी 40A1A 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, राइट। अब हम टीडीएस के चैप्टर में आते हैं थोड़ा सा, एक टीडीएस के चैप्टर में आते हैं थोड़ा सा। एक सेक्शन 201 है जो आप बाद में डिटेल में करेंगे, जो कहता है कि अगर टीडीएस काटने की लायबिलिटी है आपकी, टीडीएस काटने की लायबिलिटी है आपकी और टीडीएस नहीं काटते आप, तो आपको हम असेसी इन डिफॉल्ट मान लेंगे, असेसी इन डिफॉल्ट मान लेंगे। अगर टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, टीडीएस नहीं काटते, तो सेक्शन 201 कहता है आप असेस इन डिफॉल्ट बन जाएंगे, आप उस पर आपको इंटरेस्ट पेनल्टीज लगेगी। बट एक बात देखिए, अगर मैंने टीडीएस काटा नहीं तो क्या मैंने सरकार का पैसा मार लिया? नो, मैंने तो पूरा 10 लाख ऑडिटर को पे कर दिया, मैंने सरकार का कोई पैसा थोड़ी मारा है। ये तो मुझसे एक टेक्निकल डिफॉल्ट हो गया कि मैं टीडीएस 1 लाख काट कर सरकार के पास जमा नहीं कर पाया, तो मैं कोई पैसा खा थोड़ी गया किसी का। एंड देयरफॉर लॉ मेकर्स रिलैक्सेशन लेके आए 201 में, 201 में रिलैक्सेशन लाई गई कि मैंने ऑडिटर ईवाई को 10 लाख की फीस दे दी, टीडीएस नहीं काटा मैंने, तो लॉ रिलैक्सेशन लेके आया कि अगर ईवाई इस 10 लाख को अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेती है, ईवाई इस 10 लाख को टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेती है और इस पर जो टैक्स बनता है टोटल इनकम पर, उसे पे कर देती है, उसे पे कर देती है और अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देती है। वन कंडीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक सीए का सर्टिफिकेट दे देती है मुझे इस इफेक्ट से कि 10 लाख हमने अपनी टोटल इनकम इंक्लूड कर लिया है, इस टोटल इनकम में जो टैक्स बनता है हमने जमा कर दिया है और रिटर्न हमने फाइल कर दी है, और एक सीए सर्टिफिकेट देती है सर्टिफाइंग ऑल दिस फैक्ट्स। तो लॉ कहता है हम आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए आपने कोई चोरी थोड़ी की है, सरकार को टैक्स मिल गया, आपके थ्रू नहीं मिला, ईवाई ने जमा कर दिया। तो सेक्शन 201 में एक प्रोविजन लाई गई कि आपको हम असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे अगर ये चार कंडीशंस फुलफिल हो गई है। अब 40A1A में और 40A1 में अमेंडमेंट लेके आए, सो ये मेरा प्रीवियस है, मान लीजिए 31 मार्च 22 है, इसका मैंने 10 लाख की ऑडिट फीस पे कर दी ईवाई को और टीडीएस नहीं काटा। अभी तक जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से मेरा 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। लॉ कहता है कि अगर ऐसा हो गया है तो हम डीम करेंगे कि टीडीएस आपने डिडक्ट कर दिया है, हम डीम करेंगे टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया है, ऑल द हुआ नहीं है, बट लॉ कहता है हम डीम करेंगे कि टीडीएस आपका ड्यूली डिडक्ट हो गया है और हम ये मानेंगे
टीडीएस आपने पे कर दिया है जिस दिन ईवाई ने रिटर्न फाइल की है, जिस दिन ईवाई ने ऑडिटर ने रिटर्न फाइल की है, हम ये मानेंगे आपने टीडीएस पे कर दिया है। अकॉर्डिंगली सपोज आपकी ड्यू डेट है 31/10 और ईवाई भी रिटर्न फाइल कर देती है 31/10 को और ये कंडीशंस फुलफिल्ड है, तो ये माना जाएगा आपका टीडीएस टाइम पे डिडक्ट हो गया था और ये माना जाएगा कि आपने 31/10/2022 को टीडीएस जमा कर दिया है, ड्यू डेट तक जमा कर दिया, देयरफॉर एक्सपेंस आपका पूरा अलाउ हो जाएगा। सपोज ईवाई रिटर्न फाइल करती 31/12 को, फिर ये माना जाता आपने टीडीएस कब जमा किया, 31/12/22 को, सिंस ड्यू डेट के बाद जमा किया है, एक्सपेंस आपको अलाउ होगा 31 मार्च 2023 में। देखिए प्रोवाइडेड फर्दर पेज 156, वेयर एन असेसी फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B। अभी हमने 10 लाख ईवाई को पे किया, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया ऑन एनी सम बट इज नॉट डीम्ड टू बी असेस इन डिफॉल्ट अंडर द फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 201। आपको असेस इन डिफॉल्ट नहीं माना गया क्योंकि आपने ये चारों कंडीशंस फुलफिल कर दी। देन इस क्लॉज के लिए यानी 40A1A के लिए इट शैल बी डीम्ड दैट असेसी हैज डिडक्टेड द टीडीएस, तो माना जाएगा इस क्लॉज के लिए कि आपने टीडीएस काटा है, ऑल्दो काटा नहीं है, एंड पेड द टैक्स ऑन सच सम, किस दिन माना जाएगा आपने पे किया है, ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय द पे दैट इज ईवाई ऑडिटर रेफर्ड इन द सेड प्रोविजन। अभी एग्जांपल करते हैं, सेम प्रोविजन लेके आइए पेज 153 सेक्शन 40a1 में, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन असेसी फेल्स टू डिडक्ट, सो ये है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स, असेसी फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स इन अकॉर्डेंस विद Provisions of Chapter 17B on any such sum, आपने जो TDS बाहर पेमेंट की उस पर TDS काटना भूल गए, नहीं काटा आपने, but is not deemed to be assessed in default under the first provision of Section 201, non-resident ने उस इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर लिया है, उस पर टैक्स जमा कर दिया है और रिटर्न फाइल कर दिया अपने इंडिया में और CA सर्टिफिकेट दे दिया टू दिस इफेक्ट, देन For the purpose of this clause, it shall be deemed that ये माना जाएगा कि assessing TDS deduct कर लिया था for the sum paid to non-resident and paid the tax on the date of filing of return of income by the non-resident. Next page पे आपका memorandum दिया हुआ है, एक बार देख के छोड़ दीजिएगा, इसमें यही बताया गया कि पहले ये relaxation सिर्फ रेजिडेंट के केस में होती थी पेमेंट टू रेजिडेंट, बट अब हमने ये रिलैक्सेशन इवन टू नॉन रेजिडेंट्स एक्सटेंड कर दी है। एनालिसिस पर ये पेज 156, सेक्शन 201(1) प्रोवाइड्स दैट इफ द असेसी फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस या फिर आफ्टर डिडक्शन फेल्स टू पे द TDS, तो उसे हम मान लेते हैं असेस इन डिफॉल्ट और उसके लिए 221 में इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है, कॉन्सिक्वेंटली इज लायबल टू पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 221 विच इज अप टू द अमाउंट ऑफ TDS नॉट डिडक्टेड नॉट पेड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 एट 1% पर मंथ फ्रॉम द डेट द टैक्स वॉज डिडक्टेबल पेएबल टिल द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर अंडर सेक्शन 201, ये हम बाद में करेंगे TDS के चैप्टर। It is a well-established law laid on various by various courts that deductor
shall be treated as an assessee in default only if deductor has failed to deduct TDS and deductee has also not paid taxes on that income. So courts ने कहा कि deductor को आप default पे तब मानिए जब उसने TDS नहीं काटा और उधर जो EY है उसने भी टैक्स इस 10 लाख पे पे नहीं किया. Therefore, deductor cannot be treated as assessee in default where deductor has failed to deduct TDS, but deductee ने टैक्स डायरेक्टली पे कर दिया है. The Finance Act 12 seeks to incorporate the above provisions in section 2011 by inserting a proviso to section 2011. The Finance Act 19 has further amended the said proviso aur wahan par non resident ko payment jo hai wo bhi include kar di gayi hai. These amendments are now for both agar resident deductee hai ya fir non resident deductee hai. First proviso to section 2011 further amended by section 209 finance 19 provides as under, if deductor fails to deduct the whole or any part of the tax in accordance with the provisions of chapter of TDS on the sum paid to resident or ab non resident bhi aa gaya hai or the sum credited to the account of resident or non-resident, then such deductor shall not be deemed to be an assessee in default in respect of such TDS if resident P or if a non-resident P has furnished his return of income under section 139. Resident P, non-resident P has taken into account such sum for computing income in the return of income. So, he specifically return include clear deductee ne. Or resident P, non-resident P has paid the tax due on income declared by him in such return of income. Deductor has to furnish a certificate to this effect from a chartered accountant of the payee in the prescribed form. The amendment also seeks to provide that deductor shall have to pay interest under section 2011A. Karenge baad mein hai. At the rate of 1% per month, part of the month from the date. देखिए गवर्नमेंट को आपने TDS नहीं काटा तो सरकार के पास टैक्स नहीं पहुंचा. सरकार के पास टैक्स कब पहुंचा? जब EY ने रिटर्न फाइल की. होना ये चाहिए तब EY ने टैक्स जमा किया, बट लॉ कहता है हम ये मानेंगे टैक्स हमें तब मिला जब EY अपनी रिटर्न फाइल करता है. The amendment also provides that deductor will have to pay interest. ये सब कुछ करेंगे आप section 201 TDS में करेंगे. दोबारा कराऊंगा सर, अभी थोड़ा फास्ट करा रहा हूं. The amendment also provides that deductor shall have to pay interest under section 2011A at the rate of 1% per month. From the date the tax was deductible to the date of furnishing of return of income by the payee. The interest levied shall be levied on the amount of TDS not deducted or short deducted by the deductor. Abhi example ke through karte hain. 40A1A mein amendment aa gayi, wahi humne padha abhi. Theek hai. Where assessee has failed to deduct TDS in accordance with chapters of TDS, he is not treated as assessee in default under the first provision to section 201, then 40A1A ke liye it shall be deemed that assessee ne tax deduct kar liya time par aur pay kar diya hai on the date of furnishing of return of income by the payee aur deduction of expenditure assessee ko accordingly mil jayegi. Similar amendments aayi hain 40A1 mein jo maine abhi aapko karayi hai. Example dekhiye. कंपनी ए लिमिटेड, इसकी ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की 31 अक्टूबर. पेज द फॉलोइंग सम
without deduction of TDS. कंपनी ए लिमिटेड है, इसकी ड्यू डेट है 31st October 2022. ये फॉलोइंग सम्स पे कर रही है, मिस्टर एक्स रेजिडेंट को पे कर रही है, वाई लिमिटेड रेजिडेंट कंपनी को पे कर रही है, और जेड एक फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट को पे कर रही है. 4 लाख इसे पे कर रहे हैं, 31st July. 5 लाख पे कर रहे हैं वाई को, ये पे कर रहे हैं प्रोफेशनल फीस, इसकी ड्यू डेट है 30th November. नेक्स्ट पेज पर आइए. 10 लाख पे कर है नॉन रेजिडेंट कंपनी को रॉयल्टी, और इसकी ड्यू डेट है 31st October. ये सम्स पे हुए हैं 1st July 2021 को विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS. फॉर प्रीवियस ईयर 31st March 2022, एक्स वाई जेड हैव इंक्लूडेड द अबव सम्स इन देयर रेस्पेक्टिव रिटर्न्स ऑफ इनकम एंड हैव पेड टैक्स देयर ऑन. और रिटर्न फाइल की है, एक्स ने की है 31 अगस्त को, वाई ने किए है 30 नवंबर को, और जेड ने की 31 अक्टूबर को. तो देखिए, ये जो एक्सपेंस है इस पर TDS पेड माना जाएगा 30 नवंबर को, एंड देयरफॉर 30% एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा 31st March 2022 में, 30% आपको अलाउ होगा 31st March 2023 में. यहां जो आपने NR को पे किया, फॉरेन कंपनी को पे किया, TDS माना जाएगा, डिपॉजिट हो गया 31/10/22 को, एंड अकॉर्डिंगली ए लिमिटेड को एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा रॉयल्टी का इन 31st March 2022, सेम एज जो मिस्टर एक्स को पे किया. देखिएगा, कंपनी ए ने CA का सर्विस ले लिया है. नाउ कंपनी ए शैल नॉट बी ट्रीटेड एज असेस इन डिफॉल्ट फॉर पेमेंट ऑफ 4 लाख टू मे टू मिस्टर एक्स विदाउट डिडक्टिंग TDS. कंपनी ए को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% फ्रॉम 1st July 2021 टू 31st August 2022 ऑन TDS ऑफ ₹40,000. एक्सपेंडिचर ऑफ 4 लाख शैल बी अलाउड टू ए लिमिटेड इन प्रीवियस 22 एज पर प्रोविजंस ऑफ 40A(1)(a). कंपनी ए लिमिटेड नंबर 2 शैल नॉट बी ट्रीटेड एज असेस इन डिफॉल्ट फॉर पेमेंट ऑफ 5 लाख टू वाई विदाउट डिडक्टिंग TDS. कंपनी ए लिमिटेड शैल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ फ्रॉम 1st July 2021 टू 30th November 2022 ऑन TDS ऑफ 50,000. बट यहां पर 30% ऑफ एक्सपेंस प्रीवियस ईयर 22 में डिसअलाउ हो जाएगा और अलाउ होगा 31st March 2023 में. 22 में डिसअलाउ होगा 30%. सिंस डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ TDS इज डीम्ड टू मेड ऑन 30th November 2022 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ ए लिमिटेड. और जो NR को पे किया है अब वो भी एक्सेप्शन में आ गया, मतलब वो प्रोविजन में आ गया है. ए को हम असेसिन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, जो 10 लाख पे किया फॉरेन कंपनी को उसने विदाउट डिडक्टिंग TDS. कंपनी ए इंटरेस्ट पे करेगी 1% फ्रॉम 1st July 2021 टू 31st October 2022 ऑन TDS ऑफ 1 लाख. एक्सपेंडिचर 10 लाख का अलाउ हो जाएगा टू द कंपनी ए लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 22 एज पर प्रोविजन ऑफ 40A(1). एग्जाम्पल सेम है जो मैंने 40A(1) में लिया था.
ओके, एक इशू है, अगर आप आए पेज 153 पर, यहां के लिखा है एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेएबल, विच इज पेएबल। ऐसे ही 40A1 में लिखा हुआ है 30% ऑफ एनी सम पेएबल। अब देखिए क्या कंट्रोवर्सी आई, मैंने 1122 को रेजिडेंट को 10 लाख पे कर दिए, पेड विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस। मैंने 1122 को एनआर को 20 लाख पे कर दिए रॉयल्टी विदाउट टीडीएस, ठीक है। अब कोर्ट्स ने कहा, वेरियस हाई कोर्ट्स ने कहा इस पर 40A1A लगेगा ही नहीं, जो सेकंड प्रोविजन की बात नहीं कर रहे हम, सेकंड प्रोविजन की बात नहीं कर रहे हम, यहां 40A1 नहीं लगेगा एज पर वेरियस कोर्ट्स। कोर्ट्स ने कहा कि 40A1 और 40A1A तब लगते हैं जब अमाउंट 31 मार्च 2022 को पेबल होता है। अगर पेबल है 31 मार्च 2022 को और टीडीएस नहीं काटा या काट के जमा नहीं किया तभी सेक्शन लगेंगे। बिल्कुल ही इनकरेक्ट जजमेंट है हाई कोर्ट की। सो हाई कोर्ट ने कहा कि 40A1 तब लगता है जब अमाउंट आपका पेबल है 31 मार्च 2022 को। हाई कोर्ट से कहा 31 मार्च 2022 तक आपने पे कर दिया है, टीडीएस नहीं काटा आपने या काट के जमा नहीं किया आपने, सेक्शन नहीं लगेगा। इन सब हाई कोर्ट जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया। देखिएगा ऑन पेज 158 पालम गैस सर्विस, सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पालम गैस सर्विस हेल्ड दैट सेक्शन 40A1A1 में जो वर्ड पेबल है, इट नॉट ओनली कवर द केसेस वेयर द अमाउंट इज येट टू बी पेड बट ऑल्सो केसेस वेयर द अमाउंट हैज एक्चुअली बीन पेड। सो हाई कोर्ट के बिल्कुल गलत जजमेंट्स थे। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट सेक्शन 40A1A and 40A1 इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग मेथड फॉलोड बाय द सेसी। द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 40A1 and 1A इज टू एंश्योर द रिकवरी ऑफ टैक्सेस। ऑल द टीडीएस प्रोविजंस आर मैंडेटरी एंड रिक्वायर अ पर्सन टू डिडक्ट टीडीएस एट अ पर्टिकुलर रेट when the entire scheme of obligation to deduct TDS and paying it to the central government is read holistically, it cannot be said that the word payable occurring in 40A1 and 40A1A refers only to cases where the amount is yet to be paid, and it's wrong to say it does not cover the cases where the amount has been actually paid. So 40A1A and 40A1 is applicable where expense referred to the in the section has been paid, या फिर payable है 31 मार्च को, TDS नहीं काटा आपने या फिर काट के जमा नहीं किया। नोट लिखिएगा, यहां लिख लीजिए पेज 153 एट द टॉप, 153 एट द टॉप, जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे मैं लिखवा नहीं पाया था आपको, अब लिख लीजिए नोट वन। वेयर कमीशन
is payable outside India to a non-resident. Where commission is payable outside India to a non-resident for procuring orders from customers situated outside India. तो जहां commission payable है outside India to a non-resident, किस लिए? For procuring orders from customers situated outside India. Then such commission is not treated as income accruing in India in hands of non-resident. तो जहां कमीशन पेबल है इंडिया से बाहर नॉन रेजिडेंट को फॉर प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, देन सच कमीशन इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम अराइजिंग अक्रूइंग इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट. देयरफॉर नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड on such commission income. Therefore, there will be no disallowance under section 40A1 if TDS is not deducted. Clear है? Clear है? नोट टू लिखिएगा, नोट टू लिखिएगा. इफ टीडीएस इज डिडक्टेड एट अ लोअर रेट से 2% instead of prescribed rate, say 10%. So TDS 10% कटना चाहिए, तो आपने 2% काटा. Then लिखिएगा expense into 8/10 shall be disallowed under section 40A1 so expense ka 80% disallow ho jayega 40A1 mein aur expense ka 30% into 8/10 shall be disallowed under section 40
1A. ठीक है, सो 40A1 में एक लास्ट इशू देखिए. ये सेम इशू है जो मैं आपको नोट वन लिखवाया है. मारुति सुजुकी के कुछ बाहर एजेंट्स हैं जो बाहर मारुति के लिए ऑर्डर्स प्रोक्योर करते हैं और मारुति उनको कमीशन देती है. तो एज पर द कोर्ट्स डिसीजन जो मैंने आपको नोट वन में लिखा है, ये कमीशन इंडिया में अक्रू नहीं मानी जाएगी एंड देयरफॉर नॉट टैक्सेबल. इस पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए. हम जब फॉरेन टैक्सेशन पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे कि एक सेक्शन 195 में आप एओ से निल सर्टिफिकेट लेते हैं अगर टीडीएस नहीं कटना है. अगर टीडीएस नहीं कटना है तो निल का सर्टिफिकेट लेंगे. यहां मारुति ने कमीशन बाहर पे की फॉर प्रिक्योरिंग ऑर्डर्स आउटसाइड इंडिया, बट 195 में निल का सर्टिफिकेट नहीं लिया. एओ ने इस बेसिस पर 41 में डिसलॉन्स कर दी. हाई कोर्ट ने कहा गलत है. सेक्शन तो कहता है कि टीडीएस कट, मतलब अगर इनकम इंडिया में टैक्सेबल है तभी सेक्शन लगेगा आपका 41. देखिएगा, द इशू रिलेट्स टू पेमेंट्स मेड बाय एसएससी मारुति टू इट्स एजेंट्स बेस्ड एंड ऑपरेटिंग अब्रॉड. The agent had no accessible income in India. The AO disallowed the payment invoking 41 on the ground that कि 195 में मारुति ने निल सर्टिफिकेट नहीं लिया AO से. हाई कोर्ट ने कहा कि नॉन रेजिडेंट एजेंट who operated outside India did not have any income arising in India. The High Court held that there was no obligation to deduct TDS under 195 from commission paid to the non-resident recipient who is not liable to tax in India. The commission earned by the non-resident agent who was in the business of selling goods abroad did not accrue or rise in India and hence no tax was deductible on such commission payment to a non-resident agent. The High Court accordingly held that the assessee Maruti has made payment to a non-resident agent whose income is not chargeable to tax in India. Section 40A1 cannot be invoked to disallow the deduction of such payment for non-deduction of TDS while computing the income of Maruti India. So that is all about this section 40A1 and 40A1A. ये कह रहे हैं कुछ सैलरी का पॉइंट बताना था, मैं कुछ भूलता नहीं हूं. इक्वलाइजेशन लेवी अलग से कराऊंगा आपको. इक्वलाइजेशन लेवी अभी करेंगे इस वीक. ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स वगैरह वाला इक्वलाइजेशन लेवी आपको इसी वीक कराऊंगा. अभी नहीं करते, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा हमारा. सब कुछ करेंगे. मैं जब क्लास में आता हूँ ना तो तैयार होकर आता हूँ कि क्या क्या पढ़ाना है आज. देखिए मैं आखिरी के लिए आज आखिरी की क्लास में आपको क्या क्या लिखवाना है वो भी लिख के लाया हूँ कि ये तीन पॉइंट्स लिखवाऊंगा. तो आप चिंता नहीं करिए, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ. इक्वलाइजेशन लेवी सारा छोड़ दीजिए अभी, बहुत लंबा छोड़ा लॉ बन गया अभी. ये आप देख रहे हैं कितने सारे पेज आगे जा रहे हैं, चलते जाइए आगे. पेज 166 तक है ये, पेज 166 तक छोड़ दीजिए. नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट मीन्स इस वीक करेंगे, सॉरी. पेज 166 पर आइए. पेज 166 सेक्शन 40A2 कहता है
कि जो इनकम टैक्स पे करेंगे आप दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. जो आप इनकम टैक्स पे करेंगे दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं द फॉलोइंग शैल बी डिसअलाउड एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी रेट और टैक्स लेविड ऑन द असेसी एट अ प्रोपोर्शन ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. इसको लिटरली पढ़ने से मतलब निकलता है कि जो पीजीबी पर इनकम टैक्स निकला वो अलाउ नहीं होगा. अगर लिटरली पढ़ू तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो पीजीबी पर टैक्स निकलता है वो अलाउ नहीं होगा. डज इट मीन कि कैपिटल गेन्स अदर सोर्सेस सैलरी पर जो मैं टैक्स पे करता हूं वो अलाउ हो जाएगा? नो. सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि हम कहां पर इन द चैप्टर ऑफ पीजीबीपी. तो वहां हम कह रहे हैं कि जो पीजीबीपी पर टैक्स निकलता है वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बड़ा क्लियर है कोई भी इनकम टैक्स पे करे किसी भी हेड में अलाउ नहीं होता. की नोट अभी पढ़ लेंगे प्लीज. अच्छा यहां लिखा है कि एनी सम पेड जो कंप्यूट किया ऑन द बेसिस ऑफ पीजीबीपी वो डिसअलाउ हो जाएगा. और अभी हम पढ़ेंगे कि कोई भी इनकम टैक्स पे करेंगे डिसअलाउ हो जाएगा, चाहे अदर सोर्सेस इनकम पे करें चाहे कैप गेन्स पे करें, सब डिसअलाउ हो जाएगा. जो मैं इंडिया से बाहर टैक्स दे के आया, जो मैं इंडिया से बाहर मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया, कोर्ट्स ने कहा वो आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा. कोर्ट्स ने कहा जो बाहर की कंट्रीज में आपका टैक्स लग गया वो आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा. बिकॉज ये सेक्शन सिर्फ क्या कह रहा है, इनकम टैक्स जो कंप्यूट किया ऑन द बेसिस ऑफ पीजीबीपी, यानी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रही है. तो अगर मैं यूएस के लॉस के हिसाब से यूएस में टैक्स दे के आ गया तो कोर्ट्स ने कहा मुझे उसको वो जो मैंने टैक्स पे किया यूएस में दैट विल बी अलाउड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू मी. बताइए इससे सरकार को क्या नुकसान हो रहा था? सरकार को नुकसान इस तरह से हो रहा था जो मैं बाहर टैक्स पे करके आया उसका मुझे क्रेडिट मिल जाता इंडियन इनकम टैक्स से. सेक्शन 90, 90A, 91 हम पढ़ेंगे फॉरेन टैक्सेशन में. तो फॉरेन टैक्सेशन के तीन सेक्शन हैं, सेक्शन 90, 90A, 91, जहां जो आप बाहर टैक्स पे करके आए वो आपका इंडियन इनकम टैक्स में से क्रेडिट मिल जाता है. उसका आपको क्रेडिट देने का तरीका होता है. अब जो हाई कोर्ट के डिसीजन आ गया ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, असेसी को डबल डिडक्शन मिल गई. कैसे? एक एक्सपेंस क्लेम कर गया, उधर इनकम टैक्स में से क्रेडिट मिल गया. एंड देयरफॉर लॉ में एक्सप्लेनेशन ऐड की गई. एक्सप्लेनेशन सो अंडर सेक्शन 40A1 इनकम टैक्स पेड अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन. एक्सप्लेनेशन ऐड की गई टू क्लैरिफाई रेट्रोस्पेक्टिवली दैट इवन द फॉलोइंग टैक्सेस शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, जिसका रिलीफ आपको सेक्शन 90 में मिल जाता है. टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री जिसका रिलीफ आपको सेक्शन 91 में मिल जाता है. और एक्सप्लेनेशन 2 कहती है टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री जिसका रिलीफ आपको सेक्शन 90A में मिल जाता है. सो एक्सप्लेनेशंस ना पढ़ के की नोट पढ़ लीजिए. अच्छा एक बात बताइए, जीएसटी, क्या जीएसटी अलाउेबल एज एक्सपेंडिचर होता है मेरा? यस. जीएसटी इनकम टैक्स थोड़ी है. सेल टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये तो सब अलाउेबल एक्सपेंडिचर है मेरे. की पॉइंट वन देखिएगा, इनकम टैक्स पेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट डिडक्टेबल. इवन द इनकम टैक्स पेड अंडर द टैक्स लॉज ऑफ अ फॉरेन कंट्री इज नॉट डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस. फॉर सच टैक्स रिलीफ कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 90, 90A एंड सेक्शन 91. जीएसटी जो है इट्स अलाउेबल एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B. नेक्स्ट पेज क्या होता है देखिए, जैसे इस समय बीजेपी सेंटर में पावर में है, बीजेपी सेंटर में पावर में है. अब मान लीजिए किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, फॉर एग्जांपल राजस्थान. अच्छा जो इनकम टैक्स राजस्थान में कलेक्ट हुआ किसके पास जाएगा? सेंटर.
इनकम टैक्स एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो इनकम टैक्स की सारी कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट्स में एलोकेशन करती है। अब देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट क्या प्ले गेम प्ले करती थी। राजस्थान में कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज हैं, राजस्थान में कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिसको शेयर्स कौन ओन करता है? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। इस स्टेट गवर्नमेंट कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1000 करोड़ का, शेयर्स ओन करिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अगर ये 1000 करोड़ डिविडेंड निकाल लेते हैं तो क्या होगा? इसकी इनकम जीरो नहीं होगी। डिविडेंड इज नॉट अलाउबल एज एन एक्सपेंस। मैंने लास्ट टाइम जब 37(1) के इंपॉर्टेंट इश्यूज पढ़े थे वहां लिखवाया था आपको, लिखा होता वहां पर डिविडेंड तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। तो यहां इस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स तो 1000 करोड़ पे देना पड़ेगा, और टिल लास्ट ईयर तो इनको सीडीटी भी पे करना पड़ जाता था। टिल लास्ट ईयर 15% सीडीटी भी पे करना पड़ जाता था। अब क्या करती है राजस्थान गवर्नमेंट? एक लॉ बना देती है, एक लॉ बना देती है कि जितनी भी सरकारी कंपनी है जिसके शेयर स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, सो लॉ बनाया कि उस सरकारी कंपनी को गवर्नमेंट को 1000 करोड़ की रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करनी, नहीं, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि राजस्थान में जो स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको 1000 करोड़ रुपए रॉयल्टी देनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखिए पैसा डिविडेंड की तरह ना निकाल के ये रॉयल्टी की तरह क्यों निकाल गए? इसकी टैक्सेबल इनकम निल हो जाएगी, टैक्स बच गया 300 करोड़ रुपए का, अगर 30% टैक्स ले ले तो। एंड देयरफॉर ये बहुत कॉमन देखा गया। एंड देयरफॉर लॉ क्या बनाया गया होगा कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी वगैरह ले रही है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, वो डिसलॉ कर दी जाएगी। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी सभी कंपनी से ले रही है, प्राइवेट, पब्लिक, एवरी कंपनी, देन तो डिसलॉ नहीं होगा। एनालिसिस पढ़िए पेज 167, पेज 167 सेक्शन पढ़ने से पहले एनालिसिस पढ़ लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स आर लायबल टू इनकम टैक्स इफ दे पे डिविडेंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड सच डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस, एंड सच डिविडेंड इज आल्सो लायबल टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये आप काट दीजिए, अब ये रेलिवेंट नहीं है। एंड सच डिविडेंड इज आल्सो लायबल टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये अब खत्म हो गया है। State governments, instead of taking dividends, started taking out money from these undertakings in form of royalty, license fees, service fees, privilege fees, service charges, or other fee charge, which was exclusive levy on such state government undertakings. This was done so that such payments were allowed as deduction, and the state government gets the money without payment of. ये काट दीजिए. एक मिनट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन काट दीजिए, डिलीट द वर्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सच अंडरटेकिंग। इन ऑर्डर टू लेवी टैक्स ऑन सच विड्रॉवल्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द अंडरटेकिंग द अमेंडमेंट हैज बीन ब्रॉट वेयर इन एनी एक्सक्लूसिव पेमेंट इन फॉर्म ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस वगैरह, which is a charge to the state government by such undertaking, has been specifically disallowed. It may be noted that disallowance will be attracted only if the levy is by the state government, no disallowance if the levy is by the central government. It should be exclusive on the state government undertaking
If the levy is non-exclusive, that is applicable to others also, then disallowance shall not be attracted. फटाफट आप सेक्शन पढ़ लीजिए. फी और चार्ज पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पेज 167 ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, द फॉलोइंग शैल बी डिसअलाउड. एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज बाय एनी नेम कॉल्ड विच इज एक्सक्लूसिव लेवी ऑन एंड विच इज एप्रोप्रिएटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट. एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिएगा, इसमें डिफाइन किया है वॉट इज अ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. What is a state government undertaking, you can safely leave out. Clear? Page 168. जो आप इंडिया से बाहर सैलरी पे करते हैं, उस पर टीडीएस टाइम पर डिडक्ट होना चाहिए और टाइम पर जमा होना चाहिए. अगर एक दिन भी डिले कर दिया आपने, एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड. क्या फर्क है इस सेक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं और जो हमने सेक्शन 40 स्मॉल ए स्मॉल वन पढ़ा था? वहां पर जब भी आप पे करते अलाउ हो जाता था. अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भी पे कर दिया तब भी अलाउ हो जाता था. बट यहां तो है कि आपको 7 तारीख तक जमा करना है तो 7 तारीख को जमा करिए, अदरवाइज दिस अलाउड. ऐसा लॉ क्यों बना, लॉजिक मुझे नहीं मालूम, लॉजिक नहीं मालूम. तो पेज 168 ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, द फॉलोइंग शैल बी डिस अलाउड. Any payment which is chargeable under the head salaries, if it is payable outside India or in India to a non-resident, and if taxed source has not been paid thereon nor deducted therefrom as per provisions of income tax. तो यहां आपने एक दिन भी डिले कर दिया, it'll be disallowed forever. Salaries payable outside India or to a non-resident in India are allowed as deduction only if tax has been deducted, tax has been paid within the time prescribed under the Income Tax Act. If TDS is deposited late even by one day, to kya hoga? Salary paid outside India or to an NR in India shall not be allowed as deduction. If TDS is not deducted but paid by the assessor from his own pocket, तो क्या होगा? तब भी disallowed. अब आप पेज 153 पर आ जाइए. पढ़िए सेक्शन 40A(1). Any interest, royalty, fees for technical services, other sum charged under this act. आधा सम में सैलरी भी आ जाएगा बट नहीं आएगा, बिकॉज उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन 40A(3) है. यहां लिखिए, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट इज कवर्ड बाय सेक्शन 40A(3) एंड इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 40A(1). तो देखिए, मैं बोला नहीं था, अपन नंबर में भूल जाता हूं. जश्न
तो जस्ट मैं बोला नहीं था, मुझे याद था, इस सेक्शन के आने पर हमें बताइए इंटरप्रिटेशन। ओके, पेज 168 हेडिंग तो मैंने लिखी है, प्लीज हेडिंग मैंने लिखता हूँ, ये जो हेडिंग्स है सारी मेरी होती है, ये एक्ट में नहीं होती हेडिंग्स। 40 स्मॉल ए स्मॉल फोर, सुन लीजिए प्लीज, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एनी पेमेंट को अंडरलाइन करिए, एनी पेमेंट को अंडरलाइन करिए, उसके ऊपर लिखिए एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सो नेक्स्ट क्लास में मैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ वगैरह दोबारा से कराऊंगा, आपको बड़े सारे सेक्शन इकट्ठे कर दूंगा। देखिए, हमने पढ़ा था सेक्शंस 36(1)(4) में, 36(1)(5) में, कि अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड, अप्रूव ग्रेचुटी फंड, तो अलाउ हो जाएगी एक्सपेंस। फिर आपने 40A9 पढ़ा था कि कोई भी आप ट्रस्ट बना देते एम्प्लॉय से बेनिफिट के लिए, उसको बनाने का खर्चा, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन जो देंगे डिसअलाउ देंगे, एक्सेप्ट दिस। अभी तक हमने इतना पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 40A4। अगर जो मैंने प्रोविडेंट फंड बनाया अप्रूव्ड है, कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया है, जो मैंने प्रोविडेंट फंड बनाया कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया है, तो अब मैं जो पेमेंट करूंगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ये कह रहे हम डिसअलाउ कर देंगे, ये कह रहे हम डिसअलाउ कर देंगे। अगर जो आपने ट्रस्ट डीड बनाई है उसमें आपने अरेंजमेंट्स नहीं किए, जो ट्रस्ट डीड बनाई है उसमें आपने अरेंजमेंट्स नहीं किए, क्या अरेंजमेंट्स नहीं किए, कि जब भी ट्रस्ट पेमेंट करेगी एम्प्लॉय को और वो पेमेंट एम्प्लॉय के हाथ में अगर टैक्सेबल है सैलरी, तो ट्रस्ट उस पर क्या कटेगी, क्या करेगी, टीडीएस काटेगी। तो जो आप प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट बनाते हैं, जो आप सुपर एनुएशन ट्रस्ट बनाते हैं, जो आप ग्रेचुटी फंड ट्रस्ट बनाते हैं, उसमें आप स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करिए कि जब भी पेमेंट की जाएंगी इस फंड से, ट्रस्ट से, जो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी सैलरी की तरह, तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपने ये अरेंजमेंट्स नहीं किए हैं तो आप जो कंट्रीब्यूशन करेंगे कभी भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वो हम डिसअलाउ कर देंगे। और अरेंजमेंट्स कैसे करने पड़ेंगे, आपको ट्रस्ट डीड में क्लॉज लिखना पड़ेगा कि जब भी पेमेंट होगी जो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी सैलरी की तरह से, उस पर ट्रस्टी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटे। और अगर इन्होंने टीडीएस नहीं काटा तो ये तीनों ट्रस्टी अपनी जेब से सरकार को टीडीएस देंगे। अरेंजमेंट्स हो गए। अब आप कहेंगे ऐसा कब होता होगा कि मुझे पीएफ का पैसा मिल रहा है और टैक्सेबल है मेरे हाथ में, बताएंगे। अगर 5 साल से पहले आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, टीडीएस में पड़ेंगे, टीडीएस में पड़ेंगे। तीन क्लॉजेस, जहां पीएफ से पैसा निकालते हैं तो टैक्सेबल कब हो जाता है, तो 5 साल की सर्विस से पहले पैसा निकाल लेते हैं पीएफ से, इट बिकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, उस पर टीडीएस कटेंगे आप।
प्लस काटेगी. नंबर टू डेथ पर नहीं होता, डेथ पर टैक्स पर नहीं होता. ग्रेचुटी के लिए लिमिट क्या है एग्जेम्पशन की? बीस लाख हो गई है. पहले 10 लाख थी, लास्ट ईयर 20 लाख हो गई है. तो 20 लाख तक की ग्रेचुटी पर ग्रेचुटी टैक्सेबल नहीं होती, बट उससे ऊपर ग्रेचुटी देंगे तो वो टैक्सेबल है. सैलरी कितना है तो ग्रेचुटी फंड उस पर टीडीएस काटेगा. काफी अब पढ़ लीजिए 40A4 ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं. द फॉलोइंग शैल बी डिसअलाउड. एनी पेमेंट, एनी पेमेंट मीन्स एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अदर फंड एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज लाइक ग्रेचुटी फंड, सुपरनेशन फंड, अनलेस द असेसी हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट्स टू सिक्योर दैट, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम एनी पेमेंट मेड फ्रॉम द फंड विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर. क्लियर? ये तो देखिएगा, मैं आपको सैलरी पे करता हूं 10 लाख, इस पर टीडीएस काटूंगा. 2 लाख के नॉन मॉनेटरी पर्पसेस पे करता हूं, ये भी आपकी इनकम बन जाएगी, इस पर भी टीडीएस काटूंगा. सेक्शन 192 में एक सबसेक्शन आई थिंक 1A होता है जो कहता है कि इस पर आप टीडीएस मत काटिए, मर्जी आपकी. एम्प्लॉयर चाहे तो जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है, मान लीजिए उस पर टैक्स मान लीजिए 20% बनता है, कितना बना 40,000. तो एम्प्लॉयर की ऑप्शन होती है कि नॉन मॉनेटरी परपोजेट्स पर टैक्स एम्प्लॉयर बियर कर सकता है, यानी इस 2 लाख के मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी परपोजेट्स पर द टैक्स कैन बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर. यानी कि एम्प्लॉय की टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 1240 होगी ना. 10 लाख सैलरी, 2 लाख के नॉन मॉनेटरी पैकेजेस, 40,000 में टैक्स बिया कर रहा हूं, वही तो आपकी इनकम बन गई. 1240 इनकम हो गई या नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं होते? मैंने ये नहीं कहा टैक्सेबल नहीं है, मैंने कहा कि टीडीएस के सेक्शन में एक प्रावधान है कि एम्प्लॉयर चाहे तो इस पर टैक्स अपनी जेब से दे सकता है. डिस्क्रिशन ऑप्शन है, टैक्सेबल तो है ये. ठीक, अब देखिए 40,000 टैक्सेबल इनकम बन जाएंगे एम्प्लॉय की, 1240 इनकम बन गई, फायदा नहीं हुआ एम्प्लॉय को. तो सरकार ने क्या कहा, ये जो 40,000 टैक्स बॉर्न करा एम्प्लॉयर, हम एम्प्लॉय के हाथ में 10-10CC में एग्जेम्प्ट कर देते हैं. ये जो टैक्स एम्प्लॉयर भी कर रहा है, ये हम एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानेंगे. लेकिन जब एम्प्लॉयर की टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी, वहां 40,000 डिसअलाउ किया जाएगा. यहां एम्प्लॉय के हाथ में इनकम एग्जेम करती, और यहां पर एम्प्लॉयर इस 40,000 पर टैक्स देगा, उसकी बिजनेस इनकम बन जाएगी, डिसअलाउंस हो जाएगा टैक्स का. ठीक, सेक्शन 40A5, एक मिनट. कंपनीज लाइक इंफोसिस वो करती हैं ऐसा, उन्हें अपने हाई पेड एम्प्लॉयज को रोकना होता है, कहती ये बेनिफिट दे रहे हैं आपको कि नॉन मॉनेटरी पैकेज 10 लाख के, उसमें हम टैक्स भी बिया करते हैं, हमें छोड़ के मत जाइए. रिटेन करने के तरीके हैं.
ऊपर से पढ़ते आ रहे हो, द फॉलोइंग शैल बी डिसअलाउड, एनी टैक्स एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर रेफर टू इन सेक्शन 10(10)(c), इसके आगे लिखिए, इफ टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परपोजेट्स is borne by the employer then such tax is exempt income in hands of employee under section 10(10)(c). However, such tax shall be disallowed to employer under section 40A(5). आपसे कुछ प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, जो एग्जामिनर करता है आपसे कंफ्यूज करके छोड़ता है। अच्छा, 40B और BA इसी मॉड्यूल में करेंगे बट अंडर अ सेपरेट चैप्टर फर्म्स एंड AOP। 40B BA करेंगे इन द चैप्टर ऑफ फर्म्स एंड AOP PGP कंप्लीट करने के बाद। बताएंगे ये जो 40,000 है एम्प्लॉयर ने किस अकाउंटिंग हेड में बुक किया होगा? आप कह रहे सैलरी। बताइए एम्प्लॉयर ने 40,000 क्या इनकम टैक्स पेड बुक किया होगा? या तो सैलरी में डेबिट किया होगा या स्टाफ वेलफेयर में डेबिट किया होगा, इनकम टैक्स पेड तो नहीं है। एंड देयरफॉर आपको एग्जामिनर ने लिखा होगा कि ये पैसा कहां इंक्लूडेड है, इन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर, इन सैलरी। तो क्या करेंगे आप, एड बैक करेंगे वाइल कंप्यूटिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो आज मैं आपको 5 ही क्वेश्चन दूंगा, 5 क्वेश्चन करेंगे, आपके हाथ खुलेगा और आप प्रोविजन अप्लाई करना सीखेंगे। आइएगा नेक्स्ट चैप्टर, पेज 182, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेमिशन सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। बिलीव मी 5 मिनट का चैप्टर है, 5 मिनट, 1 घंटा लगा रहा हूं, बिलीव मी 5 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूं, 1 घंटा लगा रहा हूं। वजह है जब 5 ही क्वेश्चन करेंगे आप कहेंगे यस रिक्वायर्ड था। मोटी मोटी बात कर लेते हैं पहले, रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर, आपने कोई एक्सपेंस क्या रिकवरी हो गई, एंड दूसरी चीज क्या है, रेमिशन सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, रेमिशन रेमिट, सेसेशन सीज। सो रेमिशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड रेमिट, सेसेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड सीज, खत्म हो जाना, लिख लीजिए, रेमिशन मींस रेमिट,
Cessation means cease. पेज 186 यूज करिए. ये है ना, देखिए ये स्पेस है ना आपका, इतना सा ले लीजिए. दो पार्ट्स में पहले पार्ट में लिखिए. पहला पार्ट है रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर. आपने 31 मार्च 2018 में एक्सपेंस किया टू एक्सपेंस पेबल 2 लाख. एक मिनट, सॉरी, गलत किया मैं. केस वन इज रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर. आपने 31 मार्च 2018 को एक्सपेंस किया 2 लाख टू बैंक. 2 लाख एक्सपेंस पेबल इधर पे कर दिया, बैंक है. एंड लेट्स से रुपीज 150 वॉज अलाउड एज डिडक्शन. थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 में मुझे रिकवरी हो गई, बैंक डेबिट 2 लाख, टू एक्सपेंस रिकवर 2 लाख. बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इनकम होनी चाहिए कितनी? 1.5 लाख. क्योंकि 2 लाख में से 50,000 डिसअलाउ गया था, 2 लाख में से 50,000 डिसअलाउ गया था. अब मुझे जब रिकवरी हो रही है तो जितना एक्सपेंस अलाउ हुआ था उतना ही टैक्सेबल होगा. एंड देयरफॉर रुपीज 150 इज टैक्सेबल एस पीजीबीपी अंडर सेक्शन 41(1) इन प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2021. एग्जामिनर कहता है सिर्फ 1 लाख रिकवर हुआ है. देन अगर एग्जामिनर कहता है कि 1 लाख रिकवर हुआ है, अगर ये 1 लाख होता तो 1 लाख इंटू 150 बाय 200 कितना हो गया, ये टैक्सेबल हो जाता. सुनिए प्लीज सेक्शन अभी खत्म कर दूंगा 5 मिनट में, फिर पढ़ लेंगे सेक्शन. सेक्शन कहता है आपने एक्सपेंस किया, कोई लॉस किया, एक्सपेंस किया, कोई लॉस किया, और बाद में उसकी रिकवरी. अच्छा एक मिनट, सेक्शन कहता है आपने एक्सपेंस किया, लॉस किया, विच वॉज अलाउड एज डिडक्शन टू यू. कीवर्ड्स क्या है? विच हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन टू यू, और बाद में उसकी रिकवरी हो जाती है.
then that recovery is taxable as PGBP. याद करिए हमने सेक्शन 41(4) किया था PKML बैड डेट रिकवरी, जहां बैड डेट रिकवरी टैक्सेबल नहीं हो रही थी बिकॉज असेसी हैज चेंज्ड, यहां अमेंडमेंट कर दी गई है कि अगर प्रेडिसेसर ने एक्सपेंस इनकर किया था और सक्सेसर रिकवरी कर रहा है देन दैट रिकवरी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ सक्सेसर. तो ये पी के कमाल क्या ओवरऑल हो गया? नो, बिकॉज पी के कमाल इज फॉर 41(4). 41(4) अमेंड नहीं हुआ, 41(1) अमेंड हो गया. दूसरा पार्ट, सेसेशन रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी. March 31, 2018 एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल 2 lakh, 2 lakh. ₹150 was allowed as deduction. March 31, 2021 एक्सपेंस पेबल 2 lakh टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिटर कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्रेडिटर कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए. क्रेडिटर कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब क्या होगा? 150 टैक्सेबल एस पीजीबीपी अंडर सेक्शन 41(1) इन प्रीवियस ईयर 31 March 2021. सेक्शन कहता है कि अगर कोई एक्सपेंस इनकर किया था आपने, उसके लिए लायबिलिटी इनकर की और एक्सपेंस की आपको डिडक्शन अलाउ हो गई, बाद में लायबिलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है. तो जितना बेनिफिट मिला आपको लायबिलिटी खत्म होने से, दैट इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ द पीजीपी. अमेंडमेंट आ गई कि अगर सक्सेसर के फेवर में वो हो रही है लायबिलिटी डेबिट, देन इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर. वापिस आ चाहिए. कीवर्ड्स क्या है ये सेक्शन का? लगता है page 182, वेयर एन अलाउंस और डिडक्शन हैज बीन मेड. अब आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिखवाता हूं, लिखना शुरू करिए ऊपर इसी पेज पर, ऊपर लिखना शुरू करिए या फिर लास्ट में यूज कर लीजिए जो हमने पेज लिया था, लास्ट पेज में स्पेस होगा आपका, देखिएगा वहां लिख लीजिए. मेरा स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रॉय हो गया, मुझसे आप ये क्वेश्चन कैबियन से पूछेंगे, कहूंगा गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो. स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रॉय हो गया, क्या कैपिटल गेन निकलेगा? स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल असेट होता ही नहीं है. बताइए स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रॉय हो गया और बाद में 2 साल बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल गई, ये सेक्शन लग जाएगा या नहीं? ध्यान से सोचिए, सेक्शन खत्म हो चुका है 5 मिनट में, अब 1 घंटा आपको दिमाग खोल रहा हूं आपका. क्यों नहीं लगेगा? इस साल मेरा स्टॉक एंड ट्रेड डिस्ट्रॉय हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया,
क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, लॉस ऑन स्टॉक एंड ट्रेड क्या हुआ मेरा, डेबिट हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यानी मुझे एक्सपेंस अलाउ हो गया, डिडक्शन मिल गई, बाद में इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा वापस दे रही है, रिकवरी हो रही है एक्सपेंडिचर के लिए, एंड देयरफॉर इट्स टैक्सेबल अंडर 41(1). अब प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करना शुरू कर दिया, लिखिए 1. इंश्योरेंस कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41(1) या नहीं, जब मेरा स्टॉक एंड ट्रेड डिस्ट्रॉय हुआ था उस साल मुझे खर्चा अलाउ हो गया था, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया था, डिडक्शन मिल गया था, अब मुझे इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल रही है. तो देखिए फर्स्ट केस का एग्जांपल आ गया आपका, रिकवरी ऑफ एन एक्सपेंस, रिकवरी ऑफ एन लॉस. नंबर टू, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टैक्सेबल है या नहीं, क्यों नहीं है, इनकम टैक्स अलाउबल एक्सपेंस नहीं है, जब मैंने डेबिट किया था मुझे अलाउ नहीं था, इज नॉट टैक्सेबल. लेकिन मुझे इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट मिलता उसका क्या होगा, यहां 41(1) क्यों नहीं लग रहा, एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं था. हाउएवर इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, रिफंड ऑफ सेल टैक्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41(1) क्यों, जब सेल टैक्स पे किया था उसकी डिडक्शन मिल गई थी मुझे. 4, सेल्स टैक्स पेबल वेव्ड बाय गवर्नमेंट, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या बोल रहे हैं आप लोग, टैक्सेबल है या नहीं, टैक्सेबल है. सेल टैक्स पेबल वे बाय द गवर्नमेंट इज नॉट टैक्सेबल, क्यों, सेल्स टैक्स वुड हैव बीन डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43(b), सेल टैक्स डिडक्शन आपको मिलती है ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, आज ही करेंगे 43(b), ये तो डिसअलाउ हो गया था आपका, इसलिए सेक्शन नहीं लगेगा. दिमाग खुल रहा है आपका 41(1) पर, उस तरह से रिफंड का मिलेगा उसमें, मतलब बैड डेट रिकवरी हो गई, हमने पहले अगर बैड डेट रिकवरी हो तो 41(4) में जाएगी, वो तो वहां टैक्सेबल है 41(4) में. मेरा सेल टैक्स पेबल है 5 साल पुराना, अभी हम पढ़ेंगे 43(b) जहां सेल टैक्स आप अगर पे नहीं करते डिसअलाउ हो जाता है, अलाउ होता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस, मैंने 5 साल पहले नहीं पे किया था डिसअलाउ हो गया होगा, अब सरकार ने आके वेव कर दिया उसे, कहा नहीं चाहिए हमें सेल टैक्स, तो जो वेवर है वो टैक्सेबल इसलिए नहीं है बिकॉज दिस वुड हैव बीन डिसअलाउड अंडर 43(b). सेक्शन 41(1) कब लगता है, जहां डिडक्शन अलाउ हो गई एक्सपेंस अलाउंस के लिए आपको,
यहां डिडक्शन मुझे डिसअलाउ हो गई थी। गवर्नमेंट ने वेव कर दिया तो मैं अपील में क्यों जाऊंगा? एक मिनट, आपने सेल टैक्स पेबल था, आप अपील में चले गए और अपील में सेल टैक्स माफ हो गया, इसलिए आपने राइट ऑफ कर दिया कि सेल टैक्स पेबल रिटर्न ऑफ क्रेडिट और प्रॉफिट अकाउंट टैक्सेबल है या नहीं? जस्ट आप खुद आंसर करिए। जब मेरा सेल टैक्स पेबल था जिस साल का, डिसअलाउ हो गया होगा बिकॉज मैंने पे नहीं किया था। अब अपील में मैं जीत गया, मेरी डिमांड खत्म हो गई, मैं अगर सेल टैक्स लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में राइट ऑफ भी करता हूं तो भी टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज 41(1) नहीं लग रहा। 41(1) तब लगता है जब डिडक्शन मुझे अलाउ हो गई थी पहले। तो जिस साल मैं अपने सेल टैक्स डेबिट किया होगा उस साल में डिसअलाउ हो गया था, जब आप क्रेडिट करेंगे टैक्सेबल नहीं है। स्टार्ट करें, इधर देखिएगा, ये मैंने बेयर एक्ट दिया हुआ है, आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें पार्ट वन पार्ट टू दोनों मिक्स किए हुए हैं। पार्ट वन क्या है? एक्सपेंस पे कर दिया, रिकवरी हो गई, लॉस हो गया, रिकवरी हो गई। दूसरा पार्ट क्या है? एक्सपेंडिचर पेबल था, लायबिलिटी रेमिट हो गई। अब मैं पहला पार्ट पढ़ रहा हूं, छोड़ छोड़ के पढ़ूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने नेक्स्ट पेज पर अलग से निकाल के रख दिया इसे। वेयर एन अलावेंस और डिडक्शन हैज बीन मेड, ये कीवर्ड्स हैं, एंड सर्कल कर लीजिए इन वर्ड्स को। Where an allowance or deduction has been made in the assessment for any year in respect of loss or expenditure, loss or expenditure, stock in trade का loss, expenditure sale tax pay कर दिया मैंने, incurred by the assessee herein after called as first mentioned person, and subsequently during any previous year. The first mentioned person has obtained, whether in cash or in any other manner, whatsoever, in respect of such loss or expenditure. Next, fourth line, amount obtained by such person. Next line, shall be deemed to be the income under the head PGBP or BJP and charged to tax as the income of that previous year. This shall apply even if business is not in existence. और अगर business आपका कोई succeed करके ले गया है, उसको recovery हो रही है, तो भी taxable है। The successor in business is obtained, whether in cash or in any other manner whatsoever, any amount, in respect of which loss expenditure was incurred by the first mentioned person. Fifth line. Amount obtained by successor in business, next line, shall be deemed to be the income under the head PGBP of the successor of that previous year. अब मैं second part पढ़ रहा हूं कि आपने expense incur किया, उसके लिए क्या incur की? Trading liability. और expense की आपको deduction मिल गई, बाद में liability खत्म हो जाती है. Where? An allowance or deduction has been made in the assessment for any year in respect of a trading liability incurred by the assessee herein after called as the first mentioned person and subsequently during any previous year. The first mentioned person has obtained, second line, some benefit in respect of trading liability by way of remission or cessation. The value of benefit accruing to him shall be deemed to be the income under that PGP. ऐसे सक्सेसर इन बिजनेस इज ऑब्टेन सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी रेफर्ड इन क्लॉज ए बाय वे ऑफ रेमिशन सेसेशन देयर ऑफ देन द बेनिफिट अक्रूइंग टू द सक्सेसर इन बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम अंडर दैट पीजीपी। इसे यहां से मत करिए, नेक्स्ट पेज से कर लीजिए।
इन अदर वर्ड्स सो इन अदर वर्ड्स करिएगा, बेरेक छोड़ दीजिए. वेयर एनी लॉस और एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन एंड सब्सिक्वेंटली एनी अमाउंट इज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉस और एक्सपेंडिचर then the amount so received shall be deemed to be the income under that PGP of the previous year in which the amount is received. This shall apply even if business is not in existence. If such amount is received by the successor in business, then the amount so received shall be deemed to be the income of the successor under the head PGP of the previous year in which the amount is so received. Remission, cessation of trading liability. Where a deduction has been allowed in respect of a trading liability and subsequently there is a remission cessation of the trading liability, then the amount of trading liability so seized shall be deemed to be the income under that PGP of the previous year in which the remission cessation takes place. This shall apply even if business is not in existence. If remission cessation takes place in favor of successor in business, then the amount of trading liability so seized shall be deemed to be the income under the head PGP of the successor of the previous year in which remission cessation takes place. Sale tax amalgamating company ne pay kiya tha. Amalgamated company ko refund mil jata hai. Taxable hoga ya nahi? Ho jayega 41(1) mein in the hands of amalgamated company. Amalgamating company ka sale tax payable tha. अमलगमेटेड कंपनी के पास आ गया सेल टैक्स पेबल, सरकार ने वेव कर दिया, नहीं होगा टैक्सेबल बिकॉज अमलगमेटिंग कंपनी को एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया था 43(b) में. 41(1) तब लगता है जब डिडक्शन मिल गई थी एक्सपेंस की आपको, बाद में रेमिशन हो जाती है उसकी. क्लियर है? वापस आइए पेज 182 पर. सक्सेसर इन बिजनेस मीन्स where there has been amalgamation of a company by another company, the amalgamated company, where a firm carrying on business profession is succeeded by another firm, then another firm, where the first mentioned person is succeeded by another person in the business profession of the other person, demerger ke case mein resulting company. So, jo PK ke maar wali loophole thi, SSC must be the same, wo loophole plug kar di gayi hai 41(1) mein. एक अमेंडमेंट सुनिए 96 में आई थी, अमेंडमेंट 96 में आई थी, सुनिए. मैं असेसी हूं, आप मेरे क्रेडिटर हैं, मैं असेसी हूं, आप मेरे क्रेडिटर हैं. सो असेसी है वीजी, परचेज टू क्रेडिटर, लेट्स अ किशोर, 2 lakh, 2 lakh. अब मैंने अपनी बुक्स में क्रेडिटर किशोर को राइट ऑफ कर दिया, तो ये असेसी वीजी के हाथ में ये टैक्सेबल हो गया या नहीं, जल्दी बोलिए. मैं 5 मिनट की जगह 1 घंटा लगा रहा हूं इस सेक्शन में. टैक्सेबल हो गया क्यों? पहले परचेस की रिडक्शन मिल गई, बाद में रेमिशन ऑफ लायबिलिटी हो गई. अब कोर्ट्स के डिसीजन आए, कोर्ट्स ने कहा ये तो यूनिलेटरल रेमिशन है. अगर वीजी अपनी बुक्स में राइट ऑफ कर देता है वो तो यूनिलेटरल एक तरफा एक्ट है वो तो. अगर किशोर ने राइट ऑफ करने की कंसेंट नहीं दी है तो रेमिशन नहीं माना जाएगा. एक बात बताइए, मेरी बुक्स में पैसा खड़ा है, मैं राइट ऑफ कर देता हूं, डज इट मीन कि मुझे पैसा नहीं देना अब आपको? फिर तो एक काम करता हूं, एक क्रेडिट पर परचेज करूंगा 20 लाख की, 20 लाख की परचेज करके नेक्स्ट डे उसे राइट ऑफ कर दूंगा, देने ही नहीं मुझे, राइट ऑफ कर चुका मैं आपको.
तो कोर्ट्स ने कहा कि आपके राइट ऑफ करने से लायबिलिटी खत्म थोड़ी हुई है। कोर्ट्स ने कहा, लॉ में वर्ड यूज है रेमिशन सेसेशन ऑफ लायबिलिटी। कोर्ट ने कहा इसका मतलब होता है लायबिलिटी का खत्म हो जाना। कोर्ट्स ने कहा लायबिलिटी तब खत्म होती है जब दोनों पार्टी कंसेंट करती है। वीजी कहता है मुझे देना नहीं है और किशोर कहता मुझे लेना नहीं है। यानी एज पर कोर्ट डिसीजंस द रेमिशन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन द बाइलेटरल कंसेंट इज देयर। और हुआ क्या, मेरे टाइम बार क्रेडिटर्स हो गए। मैंने उनको राइट ऑफ कर दिया और कहा क्रेडिटर्स ने कंसेंट नहीं दी इसलिए टैक्सेबल नहीं है। एंड देयरफॉर लॉ में अमेंडमेंट आई कि अगर आप यूनिलेटरली राइट ऑफ कर देते हैं तो सेक्शन 411 लगाएंगे हम, चाहे टाइम बार्ड हो या नहीं। मैंने राइट ऑफ कर दिया, 3 साल बीत गए, डिमांड नहीं कर सकते मुझसे। नहीं सर, वो टाइम बर्ड करेंगे क्यों अगर मुझे आपको पैसा देना। कर दिया बाय चांस। हाँ जी, अगर आप मुझसे छोड़ोगे क्यों पैसे लेना। अगर कर दिया बाय चांस, सो देखिए प्रैक्टिकली क्या हुआ होगा। ये फर्जी एंट्री पड़ी होगी, परचेज की डिडक्शन क्लेम की होगी, बाद में राइट ऑफ करके बोला टैक्सेबल नहीं है बिकॉज बायलेटरल कंसेंट इज नॉट देयर। इस समय ऐसा कुछ रहा होगा। तो अमेंडमेंट आई कि बाइलेटरल कंसेंट की जरूरत नहीं है, अगर असेसी राइट ऑफ कर देता यूनिलेटरली रेमिशन माना जाएगा। लॉ में अमेंडमेंट आई कि अगर असेसी यूनिलेटरली राइट ऑफ कर देता है रेमिशन माना जाएगा, यानी बाइलेटरल कंसेंट होना बस नहीं है। देखिएगा पेज 183 अमेंडमेंट, कितनी पुरानी अमेंडमेंट देखिए, 96 की है। फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन द एक्सप्रेशन लॉस एक्सपेंडिचर सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी बाय वे ऑफ रेमिशन सेसेशन शैल इंक्लूड द रेमिशन सेसेशन ऑफ लायबिलिटी बाय अ यूनिलेटरल एक्ट बाय द फर्स्ट मेंशन पर्सन अंडर क्लॉज ए और सक्सेसर इन बिजनेस अंडर क्लॉज बी बाय वे ऑफ राइटिंग ऑफ सच लायबिलिटी इन द अकाउंट्स। तो अगर आपने क्रेडिटर को राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिटर की कंसेंट नहीं भी आई है, तो भी जो आपने राइट ऑफ किया दैट्स टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अंडर 411। इधर देखिए मैं क्या चलाकी करता हूं, ये क्रेडिटर किशोर को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ना ले जाकर रिजर्व सरप्लस में ले जाता हूं। मैंने क्रेडिटर के शो को राइट ऑफ किया थ्रू रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके ही नहीं गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो 15 नंबर का क्वेश्चन था उसका पार्ट था। असेसी के कुछ क्रेडिटर्स थे परचेजेस के एक्सपेंसेस के, उसने रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दिए। बताइए अगर मैं रिजर्व सरप्लस के थ्रू राइट ऑफ कर रहा हूं क्रेडिटर, क्या सेक्शन 411 लग जाएगा? लग जाएगा। अमेंडमेंट ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है वहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, शैल इंक्लूड रेमिशन सेसेशन ऑफ एनी लायबिलिटी बाय द यूनिलेटरल एक्ट बाय द फर्स्ट मेंशन पर्सन सक्सेसर इन बिजनेस बाय राइटिंग ऑफ सच लायबिलिटी इन द अकाउंट्स। तो अगर मैंने रिजर्व सरप्लस में भी राइट ऑफ कर दिया, सेक्शन अट्रैक्ट हो गया। मैंने क्या चला कि एओ को ना पता चले मैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करने की जगह रिजर्व सरप्लस में क्रेडिट कर दिया, तो भी लॉ कहता है टैक्सेबल है। अगर आपने क्रेडिटर को अपने अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दिया है, चाहे क्रेडिट कहीं भी गया हो आपका, रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व टैक्सेबल है।
अमेंडमेंट को ऑब्जेक्ट्स देखिए क्या थे उस समय जब सरकार ने बनाया था बताया था. इट हैज बीन नोटिस दैट कोर्ट्स आर होल्डिंग दैट टैक्स पेयर्स वुड नॉट बी लायबल टू टैक्स ऑन अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी रिटर्न ऑफ यूनिलैटरली एंड क्रेडिटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. द रिकवरी ऑफ डेट इन सच केसेस मे हैव बीन बार्ड बाय लिमिटेशन एंड ऑल्सो व्हेन देयर इज नो लाइक्लीहुड ऑफ लायबिलिटी बीइंग इन्फोर्स्ड. द कोर्ट्स डिसीजन रिवॉल्व ऑन द व्यू दैट अ डेटर by his unilateral action cannot bring about remission cessation of the liability. It is proposed to tax remission cessation of liability in the hands of the taxpayer and for this purpose, agar aap liability write off kare accounts mein, that will amount to remission and cessation. Niche other words mein maine ek line mein usko summarize kar diya. Writing of the liability unilaterally will bring about a remission cessation of trading liability. Page 184. Principles governing remission cessation of trading liability. ये देखिए case laws overrule हो गए. पहले यहां लिखा था रेमिशन कैन नॉट टेक प्लेस. आप देख रहे हैं नॉट पे स्ट्राइक थ्रू चल रहा है, नॉट पर डिलीट हो गया है. नाउ रेमिशन कैन टेक प्लेस बाय यूनिलैटरल एग्जांपल. ये देखिए केसेस ओवरऑल हुए. असेसी ट्रांसफर द ट्रेडिंग लायबिलिटीज टू जनरल रिजर्व. Held that 41(1) is not attracted since remission of liability cannot take place by unilateral act of the SSE, bilateral consent is must for remission of liability. A SSE transferred the unclaimed wages to profit loss account. Court ek taxable nahi hai. Now it is taxable. बताइए मेरी कुछ टाइम बार्ड लाइबिलिटीज है. यू नो व्हाट इज टाइम बार्ड? लॉ ऑफ लिमिटेशन लग जाता है. 3 साल बाद क्रेडिटर मुझसे पैसा रिकवर नहीं कर सकता. मेरी कुछ टाइम बार्ड लाइबिलिटीज है. लाइबिलिटीज हैं क्रेडिटर्स की परचेजेस वगैरह की. एओ कहता है कि सिंस ये लाइबिलिटीज टाइम बार हो गई हैं, इन्हें मैं टैक्सेबल करूंगा 41(1) में. प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है और हम अपील में जीत जाते हैं. ये वो कहता है क्रेडिटर्स की एजिंग करके लाइए. 3 साल पुराने क्रेडिटर्स की लिस्ट बना के दीजिए मुझे और फिर वो 41(1) में मेरी इनकम ऐड कर देता है. मैं अपील में जाता हूं, लड़ता हूं, केस जीत जाता हूं अपील में. बताइए कोर्ट्स ने क्या कहा होगा अगर लायबिलिटी टाइम बार हो गई है, मैंने राइट ऑफ नहीं किया है, राइट ऑफ नहीं किया है, क्या रेमिशन सेसेशन माना जाएगा? नहीं. एक बात बताइए, मुझे आपको पैसा देना है. आपसे मैंने परचेज की 3 साल पहले, मुझे पैसा देना है. 3 साल बीत गए, अब आप मुझसे पैसा डिमांड नहीं कर सकते. बट क्या मैं आपको पैसा दे सकता हूं? यस. मेरी गुडविल है मार्केट में, किसी का पैसा मारता नहीं हूं, आपको पैसा दे रहा हूं 3 साल बाद भी. एंड देयरफॉर कोर्ट्स ने कहा कि जब तक असेसी राइट ऑफ नहीं करेगा तब तक टैक्सेबल नहीं. अगर टाइम बार्ड लायबिलिटीज आपने राइट ऑफ नहीं की है तो टैक्सेबल नहीं होंगी. पढ़िएगा, इन केस ऑफ एमआर धवन इट वॉज हेल्ड डेट व्हेन डेट बिकम्स बार्ड बाय लिमिटेशन द क्रेडिटर वुड नॉट बी एबल टू रिकवर द अमाउंट बाय इन्फोर्सिंग हिज राइट इन कोर्ट ऑफ लॉ. बट That will not mean that the liability has come to an end. The assessee may voluntarily pay the liability even when it has become time barred. Therefore, section 41(1) is not attracted when liability becomes time barred and is not written off.
अगर आपने राइट ऑफ करके पे कर दिया टैक्स और बाद में पे करना पड़ता है, एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा आपको। अगर टाइम बार लाइब्रेरी राइट ऑफ कर देते देन बिकम टैक्सेबल। वो तो अगर आप टाइम बार लाइब्रेरी नहीं है, नॉर्मल लाइब्रेरी भी राइट ऑफ कर देता है, इट बिकम्स टैक्सेबल। सेक्शन 41(1) अप्लाइज टू ओनली ट्रेडिंग लाइब्रेरीज। एक स्टार लगाइए, इसका टेस्ट लिखिए, टेस्ट पास द अकाउंटिंग एंट्री बाय विच लायबिलिटी वॉज क्रिएटेड। इफ डेबिट ऑफ दिस एंट्री, बताइए, हैज गॉन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, then liability is a trading liability governed by section 41(1). Expense payable, is it a trading liability or not? Yes, expense, debit to expense payable, debit has gone to profit loss account. Yes, purchase ke creditors is a trading liability, purchase debit to creditors. मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक ने लोन वेव कर दिया, बताइए इज इट अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी और नॉट? नो। जब मेरे पास पैसा आया होगा तो एंट्री क्या रही होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। अब बैंक ने लोन वेव कर दिया, 41(1) नहीं लगेगा क्या? ये टैक्सेबल होगा वेवर मेरा? हमने सब्सिडी की डेफिनेशन पढ़ी थी 224(18) में, इनकम इंक्लूड्स एनी वेवर एंड देयरफॉर द वेवर ऑफ बैंक लोन इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। बिजनेस के कोर्स में पैसा मिला मुझे, मुझे डीलर से डिपॉजिट मिले, मुझे डीलर से डिपॉजिट मिले, डीलर्स गायब हो गए, मैंने डिपॉजिट्स राइट ऑफ कर दिए। ये कह रहे मार्जिन मनी वाला केस हो गया। यहां मैं मारुति कार का डीलर हूं, मारुति कार हूं, मारुति कंपनी हूं, मैं अपने डीलर से 10-10 लाख के डिपॉजिट ले रहा हूं, डीलर्स गायब हो गए, मैं राइट ऑफ कर दिया। 41(1) तो नहीं लगेगा। जब मैंने डिपॉजिट लिए थे डीलर से, एंट्री क्या रही होगी? बैंक डेबिट टू डीलर्स डिपॉजिट। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको याद करिए दूसरी क्लास सेकेंड क्लास, मैंने शायद लिखवाया भी होगा, देखिएगा पेज टू पर, पेज टू, वेवर ऑफ बैंक लोन परक्विजिट वाला केस, एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट रिसीव इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, लिखा नहीं आप लोगों ने? पेज वन या टू पर होगा, टू, टेन पे लिखवाया था, पेज 10 पर कह रहे हैं, पेज 10 पे लिखा हमने, क्यों नहीं लिखा? यस सर, वो आपने कोविड सिचुएशन के बारे में नहीं, नहीं, नहीं।
शायद ना लिखा हुआ, मैंने शायद ना लिखा हुआ, लिखा हुआ 10 पेज में लिखा हुआ पेज 10 पर होगा द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परकोजिट वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, आपने लिखा होगा कि अगर लोन वेव होता है तो टैक्सेबल है पीजीपी की तरह से. पेज 184 पर आइए. सेक्शन 41(1) अप्लाइज टू ट्रेडिंग लाइबिलिटीज ओनली. अ सेसी टुक अ पर्सनल लोन फ्रॉम ए ₹1,00,000. Subsequently, the assessee and Mr. A decided that loan need not be repaid, and therefore the assessee wrote off the loan to the credit of profit loss account. Personal loan hai ye. Bataiye 41(1) lagega ya nahi? Nahi lagta. Kya this is a perquisite in the course of carrying on business? No, personal loan nahi to. To ek section karenge aap 56-10. जहां आपको गिफ्ट ऑफ मनी मिलता है दैट गेट्स टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस. तो एक तरह से माना जाएगा कि ए ने गिफ्ट दिया है असेसी को, लोन दिया, अगर लोन वापस नहीं चाहिए, गिफ्ट ऑफ मनी हो गया. इन द प्रेजेंट केस द लोन इज नॉट अ ट्रेडिंग लायबिलिटी एंड देयरफॉर सेक्शन 41(1) इज नॉट अट्रैक्टेड. Section 56-10 shall be attracted and the loan so waived shall be taxable in the hands of the assessor's income from other sources. If the loan so taken was taken in the course of business, fir kya hota? Such a waiver of loan shall be taxable under the head PGBP as per section 224-18. 56-10 is case mein nahi lagta. Next case is टीवी सुंदरम अयंगर, जहां डीलर के डिपॉजिट्स थे, डीलर्स ट्रेसेबल नहीं थे, असेसी ने राइट ऑफ कर दिए, सुप्रीम कोर्ट का टैक्सेबल होंगे अंडर सेक्शन 28 एज परकोजिट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स हेल्ड डेट वेयर असेसी ट्रांसफर्स अनक्लेम्ड एडवांसेस फ्रॉम ट्रेड पार्टीज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट. Then the assessee has become richer by the amount transferred to the profit and loss account. The amount is not taxable under 41(1) but shall be taxable under section 28 as perquisite in the course of business. The Supreme Court had that such amounts, though not allowed as deduction earlier, and transfer to profit loss account would constitute trading receipts taxable under section 28. Therefore, on the basis of the Supreme Court decision, if trade advances are written off to the credit of profit loss account, then although section 41(1) is not attracted, the said sum will be taxable under section 28. Break se pehle mujhe ek baat batate jaiye. एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, मैंने वर्किंग कैपिटल के लिए सीसी लिमिट ली, कैश क्रेडिट लिमिट, एक टर्म लोन लिया एसेट एक्वायर करने के लिए, ₹4,00,000, ₹6,00,000. सो ब्रेक से जाने से पहले एक क्वेश्चन सुनते जाइए, आंसर भी कर दीजिएगा पॉसिबल है तो. बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का ये, मैंने बैंक से वर्किंग कैपिटल लिमिट ली ₹2,00,000 की और ₹6,00,000 का टर्म लोन लिया एसेट एक्वायर करने के लिए, बैंक ने दोनों वेव कर दिए,
मैं 10 लाख BG Learning Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vgldi.com. Who doesn't is a trusted qualification for skilled professionals. With no aggregation, no grouping, and with exams every quarter, ACCA ensures faster progression in your... Can you please start the class? सो ब्रेक से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने वर्किंग कैपिटल लोन लिया 4 लाख का, टर्म लोन लिया एसेट के लिए 6 लाख का, बैंक ने दोनों वेव कर दिए। सीसी बोलते ना, सीसी मीन्स क्रेडिट लिमिट ओनली, कैश क्रेडिट लिमिट, डायरेक्टली वी कॉल इट एज सीसी ओनली। बताइए ये 41-1 लगेगा या नहीं? यहां पर एंट्री डालिए। आज बैंक ने आपको 4 लाख की लिमिट सैंक्शन कर दी सीसी, वर्किंग कैपिटल लिमिट। क्या बुक्स में कोई एंट्री पड़ेगी आपकी? नहीं पड़ेगी। आपने सैलरी दी 10,000 रुपए स्टाफ को, एंट्री क्या पड़ेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीसी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सीसी अकाउंट, एंड देयरफॉर अगर ये वेव होगा तो 41-1 लगेगा, ये वेव होगा तो क्या होगा? एक स्टील अथॉरिटी का जजमेंट किया था आपने, अगर एसेट के लिए लोन मिला है, लोन वेव हो जाता है, दैट लोन विल गो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो देखिए एग्जामिनर 2 नंबर के एडजस्टमेंट में कितना सारा कुछ पूछ गया। सी द जजमेंट ऑफ रूल अटेनर्स। पेज 186 रूल अटेनर्स। कैन प्रोविजंस ऑफ 41-1 बी इनवोक्ड both in respect of waiver of working capital loan utilized for day-to-day business operations and in respect of term loan taken for purchasing the capital asset. तो बताइए मैं रिटर्न ऑफ इनकम में क्या एडजस्टमेंट करूंगा? 4 लाख 6 लाख, 4 लाख तो टैक्सेबल है, उसका कुछ नहीं करूंगा। 6 लाख को, 6 लाख को पहले नेट प्रॉफिट से कम करूंगा और फिर ब्लॉक ऑफ एसेट में जाकर 6 लाख WDV में से लेस कर दूंगा। द प्रोविजंस ऑफ 41-1 आर अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेवर ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन यूटिलाइज फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन सिंस इट अमाउंट्स टू रेमिशन ऑफ अ ट्रेडिंग लायबिलिटी। हाउएवर इन केस ऑफ वेवर ऑफ टर्म लोन फॉर परचेसिंग कैपिटल एसेट्स द प्रोविजन ऑफ 41-1 आर नॉट अट्रैक्टेड सिंस it cannot be treated as remission cessation of a trading liability. However, waiver of term loan for acquiring capital asset should be reduced from the actual cost of the assets as per the judgment of Steel Authority of India Limited. इधर देखिएगा, जेके सिंथेटिक्स का केस कर रहे हैं आप, इधर देखिए प्लीज। इस साल इस केस में क्या हुआ, असेसमेंट ईयर 82-83 में जब 43B नहीं हुआ करता था, सो 43B असेसमेंट ईयर 84-85 से आया था, तो जब 43B नहीं हुआ करता था असेसी के ऊपर सेल टैक्स लगा 20 लाख रुपए का, उसने पे नहीं किया, पेबल था, बट एक्रुअल बेसिस पर डिडक्शन क्लेम कर ली, एक्रुअल बेसिस पर डिडक्शन क्लेम कर ली। असेसी ने रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में कि मुझे सेल टैक्स नहीं देना। असेसी ने 20 लाख का सेल टैक्स पे की लायबिलिटी क्रिएट की,
एंट्री डाली सेल टैक्स डेबिट टू सेल टैक्स पेबल, डिडक्शन क्लेम कर ली बट पे नहीं किया। साथ के साथ असेसी ने रिट पटिशन डाल दी हाई कोर्ट में कि सेल टैक्स मेरा बनता ही नहीं है। हाई कोर्ट ने 3216 को डिसाइड किया कि यस सेल टैक्स इज नॉट पेबल बाय द असेसी। सो ये केस अब सेल टैक्स में चला, ये केस इनकम टैक्स में नहीं चल रहा। कहां चल रहा है? सेल्स टैक्स में चल रहा है। सेल्स टैक्स में हाई कोर्ट ने डिसाइड किया ऑन 3216 दैट सेल टैक्स वाज नॉट पेबल बाय द असेसी एट ऑल। सेल टैक्स डिपार्टमेंट हाई कोर्ट डिसीजन से खुश नहीं था। सो सेल टैक्स डिपार्टमेंट वाज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेशली पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 1119 को कहा कि हाई कोर्ट बिल्कुल ठीक है, यानी कि सेल टैक्स वॉज नॉट पेबल बाय द असेसी। अब बताइए केस इनकम टैक्स में चला, ए उन्हें क्या किया होगा? 43B था ही नहीं उस समय 43B था ही नहीं, ये तो अलाउ हो गया था एक्रुअल बेसिस पर। आपको एओ ने एज यू राइटली सेड प्रीवियस या 16 में 20 लाख ऐड कर दिया एसएससी की इनकम में 41(1) में। एसएससी कहता है मैं मानता हूं 20 लाख टैक्सेबल है, इट्स अ रेमिशन ऑफ लायबिलिटी, बट एसएससी कहता है ये टैक्सेबल इस साल में है। और अब ये मैटर इनकम टैक्स में चला और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सो पहले सेल टैक्स में चला था, अब इनकम टैक्स पे चला। सुप्रीम कोर्ट ने बताइए क्या कहा होगा कि रेमिशन किस साल में हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनकम टैक्स एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लायबिलिटी खत्म कब मानी जाएगी? जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया दैट सेल टैक्स इज नॉट पेबल। हो सकता है हाई कोर्ट डिसीजन को यहां रिवर्स करती थी सुप्रीम कोर्ट, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट सेड रेमिशन टेक्स प्लेस व्हेन द लायबिलिटी इज फाइनली वेव्ड ऑफ इन फेवर ऑफ द असेसी फाइनली एंड नो अपील इज पेंडिंग अगेंस्ट इट, एंड देयरफॉर रेमिशन सेशन टेक्स प्लेस ऑन 1/1/19 एंड देयरफॉर 20 लाख इज टैक्सेबल इन प्रीवियस 19। ठीक, जेके सिंथेटिक्स टेक सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेमिशन कब होता है? व्हेन मैटर इज फाइनली डिसाइडेड। द असेसी क्लेम डिडक्शन ऑफ सेल टैक्स इन असेसमेंट ईयर 82-83 व्हेन 43B सेक्शन वाज नॉट देयर, इवन द सेल टैक्स वाज नॉट पेड, the deduction of sale tax was allowed to the assessee. The assessee challenged the levy of sale tax in the High Court through a writ petition on 1183, and the High Court held on 1/2/16 that assessee was not liable to pay sale tax. The sale tax department filed a SLP in the Supreme Court on 3/2/16, and the Supreme Court affirmed the order of High Court on 1/1/19. The AO sought to tax the remission of liability in assessment year 16-17. The Supreme Court held that remission cessation of liability takes place only when it is finally decided that the assessee is not required to pay the liability. If the department goes for an appeal against the question of remission cessation of liability and the matter is in dispute, then the remission cessation of liability will take place when the dispute is finally settled in favor of the assessee. In the present case, 41(1) will be attracted in assessment in 1920 and will not be attracted in assessment year 16-17. Next hai Polyflex. Supreme Court important mark kariye. Idhar dekhiyega.
इधर देखिएगा, असेसी ने 2007 में एक्साइज ड्यूटी पे की और डिडक्शन क्लेम कर ली, बट असेसी रिट पिटीशन में चला गया हाई कोर्ट में कि एक्साइज ड्यूटी उसके द्वारा पेबल नहीं है, हाई कोर्ट ने 20/1/13 को डिसाइड किया कि एक्साइज ड्यूटी पेबल नहीं है और असेसी को उसी दिन रिफंड करा दिया गया 1/1/13 को। 1/1/13 को हाई कोर्ट ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी बनती नहीं थी असेसी पर और एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा कि वापस करिए एक्साइज ड्यूटी टू द असेसी। अब ये केस चल रहा है एक्साइज एक्ट में, एक्साइज डिपार्टमेंट कहां चला गया, ये हाई कोर्ट ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक केस पेंडिंग है एक्साइज ड्यूटी का। सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक केस पेंडिंग है कि एक्साइज ड्यूटी पेबल थी या नहीं। ठीक है, अब केस इनकम टैक्स में चला, बताइए एओ ने इनकम टैक्स में क्या किया होगा, सपोज 50 लाख की एक्साइज ड्यूटी थी, एओ ने क्या किया होगा, 50 लाख इस साल की इनकम मान ली, जबकि असेसी कहता है ये मेरी इनकम तब तक नहीं बनेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता। असेसी कहता है मेरे फैक्ट्स तो जेके सिंथेटिक्स वाले बिल्कुल सेम है या नहीं। मैंने भी जब ये जजमेंट पढ़ा मैं भी यही सोच रहा था, कि ये तो केस जेके सिंथेटिक्स वाला ही है, बट पॉलीफ्लेक्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेके सिंथेटिक्स के फैक्ट्स अलग थे, पॉलीफ्लेक्स के फैक्ट्स अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीफ्लेक्स में कहा कि हमने जो जेके सिंथेटिक्स में कहा था वो ठीक है, बिल्कुल आज भी ठीक है, हम उसे अपहोल्ड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेके सिंथेटिक्स में इशू क्या था कि रेमिशन सेसेशन कब होता है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीफ्लेक्स में कहा कि जेके सिंथेटिक्स में केस इशू क्या था कि रेमिशन सेसेशन कब होता है। पॉलीफ्लेक्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां तो रेमिशन की बात ही नहीं है, यहां तो एक्साइज ड्यूटी पे हो चुकी है। पॉलीफ्लेक्स ने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 41(1) में दो पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट है, पहला है एक्सपेंस इनकर क्या रिफंड हो गया, दूसरा है लायबिलिटी का रेमिशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तो रेमिशन का सवाल ही नहीं है बिकॉज असेसी एक्साइज ड्यूटी पे कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पहला पार्ट है 41(1) का कि एक्सपेंस किया रिकवरी हो गई टैक्सेबल हो गया, ये तो उस पार्ट में फॉल करता है और जैसे आपको रिकवरी हुई देयरफॉर इट इज टैक्सेबल इन असेसमेंट 13(14) ओनली। देख रहे हैं द असेसी कंपनी पेड एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन गुड्स इन द ईयर 2007 एंड वॉज अलाउड एज डिडक्शन। द असेसी चैलेंज द लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी इन द हाई कोर्ट ऑन 1/1/13 डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द असेसी एंड हेल्ड दैट एक्साइज ड्यूटी वॉज नॉट पेबल बाय इट। Excise duty was refunded to the assessee on 21/13. The department filed a SLP in the Supreme Court against the order of High Court and the SLP is still pending in the Supreme Court. Ab AO ne 41(1) invoke kar diya assessment 13/14 mein tax. The excise duty refunded in assessment 13/14. The assessee contended that there was no remission, cessation of trading liability within the meaning of section 41(1) as long as the issue was pending determination by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्टेंट केस डिफरेंट है फ्रॉम जेके सिंथेटिक्स। 41(1) इज अट्रैक्टेड इफ इन द असेसमेंट फॉर एनी ईयर
an allowance or deduction has been made in respect of any loss, expenditure, trading liability, and subsequently the assessee, one, has obtained any amount in respect of such loss or expenditure, or has obtained any benefit in respect of trading liability by way of remission cessation thereof. Ye kaun sa part hit ho raha hai mera? Part 1 hit ho raha hai. If either of the two happens, deeming fiction of 41(1) comes into play. The Supreme Court held that no doubt remission cessation of trading liability takes place only when the matter is not pending in any litigation and has been finally decided in favor of the assessee. If the matter of remission cessation of liability is pending before any court, then it will not amount to remission cessation. The Supreme Court held in the present case, the question was not remission cessation of trading liability, since there was no trading liability at all. Since assessee has paid the excise duty. As per Supreme Court in the present case, the first part of 41(1) is attracted, namely, has obtained any amount in respect of such loss expenditure. As per Supreme Court, 41(1) is a deeming fiction and it comes into play as soon as the assessor receives any amount in respect of loss expenditure. It is irrelevant that such receipt has been disputed by the department in future appeal. The deeming fiction of 41(1) comes into play as soon as the amount is received, and therefore, in the present case, the AO was justified in invoking 41(1) in assessment at 13-14. Clear hai? नहीं, जो एक्सपेंस है दैट शुड हैव बीन अलाउड एज डिडक्शन और फिर रिकवरी हो रही है तो टैक्सेबल है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, असेसी ने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी थी, करंट या प्रीवियस या 21 में रिफंड हो गई उसे, 10 लाख की ड्यूटी थी रिफंड हो गई, बट असेसी ने उसे दिखाया एज इन द बैलेंस शीट एज एक्साइज ड्यूटी डिस्प्यूटेड 20 लाख रिसीव्ड, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेसी नहीं लिखे गया. क्या करेंगे आप? इनकम में ऐड करेंगे एज पर पॉलीफ्लेक्स जजमेंट. ठीक, सो सेक्शन 41(1) इज नाउ कंप्लीट. नेक्स्ट आइएगा पेज 196 पर. Certain deductions on actual payment basis, page 196. Notwithstanding anything contained in any other provision of the Income Tax Act, हम पूरा एक्ट ओवर रूल करते हैं. A deduction otherwise allowable, the keywords are a deduction otherwise allowable under the act in respect of ये सारे आइटम्स. नेक्स्ट पेज शैल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड बाय हिम. ठीक, डिडक्शन अदरवाइज अलाउबल, ये डिडक्शन जो अदरवाइज अलाउबल है वो अलाउ होगी पेमेंट बेसिस पर. अगर एक डिडक्शन डिसअलाउड है ऑलरेडी तो क्या होगा? वो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. पहला है एनी सम पेबल बाय द असेसी बाय वे ऑफ टैक्स ड्यूटी सेस फी by whatever name called under any law for the timing in force. So कोई भी sum up within a tax, income tax आ जाएगा इसमें? Income tax क्यों नहीं आएगा?
और डिडक्शन विच इज अदरवाइज अलाउबल. इनकम टैक्स तो वैसे ही डिसअलाउड है 40 सेक्शन 40 में. सेल टैक्स आ जाएगा. जीएसटी यस. ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी सेस जीएसटी का सेस. पर ये उस सेस की बात नहीं कर रहे. ये सेस होता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं तो एक आरबीआई का एक्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस एक्ट. सो एक आरबीआई का एक्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस एक्ट, जहां आपको टेक्नोलॉजी के अमाउंट का 10% सेस देना होता है. ये उस सेस की बात कर रहे हैं. फी कोई भी स्टेशनरी फीस बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. यानी जैसे मेरा जीएसटी है, जैसे मेरे म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे. जल्दी बताइए. सेल टैक्स कवर हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन सेल टैक्स मुझे नहीं पता, आप बताएंगे. इंटरेस्ट ऑन सेल टैक्स अलाउड होता है या नहीं? 37(1) में अलाउड होता है. हमने किया था कि इंटरेस्ट अंडर एनी एक्ट इज अलाउड. क्या वो क्लॉज ए में आ जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड है इंटरेस्ट ऑन जीएसटी 10 लाख. नीचे नोट्स में दिया हुआ इट हैज नॉट बीन पेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. अलाउ करेंगे डिसअलाउ करेंगे? इन अदर वर्ड्स क्या क्लॉज ए में आ रहा है? नहीं आ रहा. सो एनी सम पीपल बाय द सेसी बाय वे ऑफ टैक्स, टैक्स की बात कर रहा है. ड्यूटी सेस वी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. इसके आगे लिखिए इंटरेस्ट ऑन जीएसटी सेल्स टैक्स is allowable on accrual basis and is not covered by section 43B. So interest on sale tax GST is allowable on accrual basis, that's not covered by section 43B. 43B में क्या कवर हो रहा है? जीएसटी पे हो रहा है, सेल टैक्स कवर हो रहा है. आप देखते हैं दिल्ली वगैरह में तो जो इलेक्ट्रिसिटी है प्राइवेट हैंड्स में चली गई है, BSES वगैरह. बट आज कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स बिजली सप्लाई करती है. स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं जो वो बिजली सप्लाई करते हैं. मुझे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने हैं उस स्टेट बोर्ड को, क्या वो क्लॉज ए में कवर हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेबल टू द स्टेट बोर्ड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्या क्लॉज ए में कवर होगा? जल्दी बताइए. क्या वो टैक्स है? क्या वो ड्यूटी है? क्या वो सेस फी है? नो, फीस भी नहीं है वो. और कोर्ट्स ने कहा देयरफॉर कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने हैं स्टेट बोर्ड, चाहे गवर्नमेंट ओन स्टेट बोर्ड है, दैट इज नाइदर टैक्स नॉट ड्यूटी, इवन फी में भी नहीं आएगा वो. जजमेंट देखेगा पेज 201 पर, सेकंड जजमेंट 201, पेज 201 द सेकंड जजमेंट, एंद्रा फेरोलाइज प्राइवेट लिमिटेड,
Can unpaid electricity charges be treated as fees to attract this allowance under 43B? On this issue, the AO was of the view that electricity charges payable to State Electricity Board comes within the ambit of 43B and therefore will be allowed as deduction only on payment basis. Therefore, he disallowed the electricity charges which were unpaid. The Andhra Pradesh High Court observed that provisions of 43B do not incorporate electricity charges. Therefore, non-payment of electricity charges would not attract disallowance under 43B since such charges could not be termed as tax, duty, cess or fee. The court therefore held that deduction is allowable in respect of such electricity charges. Idhar dekhiye ek minute. To ye jo 43B mein sums hain wo allowed hain on actual payment basis. मेरा करंट ईयर का जीएसटी है, मैं जीएसटी पे नहीं करता, बट जीएसटी डिपार्टमेंट को एक बैंक गारंटी दे देता हूं. मेरा जीएसटी 1 करोड़ का है, मैंने 1 करोड़ की बैंक गारंटी दे दी बाय 31 मार्च 2021 कि अगर मैंने जीएसटी नहीं पे किया तो आप बैंक गारंटी इनकैश कर लीजिएगा. बताइए क्या गिविंग अ बैंक गारंटी अमाउंट्स टू एक्चुअल पेमेंट? गिविंग अ बैंक गारंटी अमाउंट्स टू एक्चुअल पेमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉ कहता है इट शुड बी एक्चुअली पेड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन. गिविंग अ बैंक गारंटी डज नॉट मीन एक्चुअली पेड. पेज 201 पर ही पहली जजमेंट देखिएगा, उदयपुर डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, सेम पेज 201. Furnishing of a bank guarantee. So, page 201, first judgment, Supreme Court, Udaipur Distillery Company Limited. Furnishing of a bank guarantee in respect of any sum payable by the assessee cannot be equated with actual payment as required in 43B for allowances deduction in computation of profits. So, as such, agar aap bank guarantee dete hain, that does not amount to actual payment. वापस आ चाहिए, वापस आ चाहिए. क्लॉज बी, एनी सम पेएबल बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज. कुछ याद आया? बताइए, मेरा फंड अगर अनअप्रूव्ड है तो क्या मुझे डिडक्शन पेमेंट बेसिस से मिल जाएगी? मेरा फंड अनअप्रूव्ड है बट मैं पेमेंट कर देता हूं उस फंड में, तो क्या मुझे एक्चुअल पेमेंट में डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी. क्यों? डिडक्शन विच इज अदरवाइज अलाउबल. अगर कुछ डिसअलाउड है वो तो डिसअलाउड ही रहेगा, पेमेंट बेसिस पे अलाउ नहीं कर सकते आप. तो क्लॉज बी में आता है आपका क्या, जो कॉन्ट्रीब्यूशन जा रही है टुवर्ड्स द अप्रूव फंड्स वो अलाउ होंगी ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस. वही तो बात कर रहे हैं, जितने भी फंड्स हैं जो पीएफ अप्रूव मेरा है या पीएफ कमिश्नर के पास है, उन सब की बात कर रहे हैं. एक मिनट आइए, पेज नंबर 178 पर.
आपने सेक्शन 40A7 पढ़ा था, जहां हमने लिखा था कि कोई भी प्रोविजन करते हैं ग्रेच्युटी के लिए डिसला हो जाएगी, बताइए। फिर हमने दो एक्सेप्शन किए थे, क्या क्या? अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, दूसरा है प्रोविजन मेड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्चुअली बिकमिंग पेबल ड्यूरिंग द ईयर। एक्सेप्शन वन एंड टू है, एक्सेप्शन वन एंड टू है, आप बताइए दिस इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B और नॉट? एक्सेप्शन वन इज सब्जेक्ट टू 43B और नॉट, बताइए प्लीज। एक्चुअल पेमेंट बेसिस से मिलेगी, आपने प्रोविजन की तो अलाउ नहीं होगी। नंबर टू, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, उसकी ग्रेच्युटी पेबल है, आपने पे नहीं किया आपने अभी तक, डिसअलाउ हो जाएगी अलाउ होगी? एम्प्लॉय छोड़ के चला गया है, कोई अप्रूव फंड नहीं है आपका, ग्रेच्युटी एक्चुअली पेबल हो गई, उसकी आपने प्रोविजन डाल दी, ग्रेच्युटी डेबिट टू ग्रेच्युटी पेबल, उस पर सेक्शन 43B लगेगा या नहीं? यस और नो? सेक्शन 43B क्यों नहीं पढ़ते आप? सेक्शन 43B के सेकंड बी क्लॉज में क्या आ रहा है? एनी सम पीपल बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड्स की बात कर रहा है ये। अगर किसी फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो पेमेंट बेसिस पर ला होगा। बताइए, तो बताइए ये जो मेरा ग्रेच्युटी एक्चुअली पेबल है, सेकंड मेरा एक्सेप्शन जो है, ग्रेच्युटी एक्चुअली पेबल मैं बुक्स में प्रोवाइड कब कर रहा हूं? जब मैंने फंड मेंटेन नहीं किया होगा। अगर मैंने फंड बनाए हुए तो फंड ग्रेच्युटी पे करेगा। मैं ग्रेच्युटी की प्रोविजन अपने अकाउंट्स में कब करूंगा? जब मैंने फंड नहीं बनाया है। तो बताइए इज दिस सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B और नॉट? नो। लिखिए पेज 178, जो नीचे एक्सेप्शन है वन एंड टू, पहले एक्सेप्शन के आगे लिखिए सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, पहले एक्सेप्शन के आगे लिखिए सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। ओके, दूसरा एक्सेप्शन है कि आपने प्रोविजन किया ग्रेच्युटी की जो एक्चुअली पेबल ड्यूरिंग द ईयर हो गई है। ये प्रोविजन कब की होगी आपने? बिकॉज फंड मेंटेन नहीं किया होगा। इज दैट सब्जेक्ट टू 43B? नो, बिकॉज 43B टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड्स। दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, इट्स अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक, अच्छा 43B आपने से किसको मालूम है? 43B पहले तो कहता है इट्स अलाउड अगर आप प्रीवियस में पे कर देते हैं, पता है अगर ड्यू डेट तक पे करते हैं तो भी अलाउ हो जाता है या नहीं? अलाउ हो जाता है।
अभी हम पढ़ेंगे कि अगर ड्यू डेट तक भी पे कर दिया आपने तो भी एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। क्लॉज सी है, एनी बोनस कमीशन पेबल टू एम्प्लॉयज। तो जो बोनस कमीशन आप एम्प्लॉयज को देंगे दैट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं भी हिल गया। और सोचिए जो बच्चा एग्जाम में बैठा है, पेज नंबर 437 सो पेज 437 क्वेश्चन 128 अनामिका बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फ्लैट्स उसके लिए क्या होंगे, स्टॉक इन ट्रेड, रेजिडेंट इन इंडिया, एंगेज इन बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 54,80,000, prepared in accordance with ICDS after debiting crediting the following items: depreciation debited to books, add back करेंगे और allow करेंगे depreciation as per income tax act, point 2 देखिएगा, gross revenue includes rupees 5 lakh in respect of a service contract for maintenance of office building for NITUP Limited for the period 1st March 22 to 30th April 22. Expenses incurred on the project till 31st March 22 amounts to 1,27,000, which is included in other expenses. देखिए इस subject को आप रटेंगे तो pass नहीं हो सकते। कि किस क्लेवरनेस से एग्जामिनर आपसे कंसेप्ट पूछ गया है। हमने पढ़ा था कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर 90 डेज से कम का है तो वहां तो हम फॉलो करेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड ही फॉलो करना मैंडेटरी है। यहां देखिए प्रीवियस ईयर 22 में 90 डेज से कम का कॉन्ट्रैक्ट है मिला है इसे, तो इसे आप रेवेन्यू और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे जिस साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो क्या करेंगे आप, रेवेन्यू से 5 लाख माइनस कर देंगे और एक्सपेंसेस में 1,27,000 ऐड कर देंगे। तो इनकम में से 5 लाख कम कर देंगे और एक्सपेंसेस में 1,27,000 ऐड बैक कर देंगे। तो देखिए किस क्लेवरनेस से एग्जामिनर ये कंसेप्ट पूछ गया। थ्री, मैं भी हिल गया था इस पॉइंट को देखकर। फ्रेंकली मैंने जब स्टूडेंट्स को फोन आया कि सर ये पॉइंट एग्जाम में आया, तो मैंने आंसर स्टूडेंट्स को गलत बताया, एंड दैट इज आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द टीचिंग। देखिए क्या पॉइंट है, the amount of employee benefits include 4,41,000 in respect of bonus payable to the employees. In previous year 21-22, the company and its employees union had a dispute over the payment of bonus. In order to avoid late payment of bonus, the company formed a trust and transferred the amount of bonus payable to the employees to the said trust. The dispute was settled in month of October 22. Aur trust ne employees ko amount diya hai 30th December 22. To mujhe laga ki since due date company ki 31st October hai, 31st अक्टूबर तक बोनस कंपनी ने ट्रस्ट को पे कर दिया है तो 43B में अलाउ हो जाना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट कहती है और बिल्कुल सही कहती है
कि सेक्शन 43 भी तो कहता है बोनस कमीशन इंप्लॉयज को पे होना चाहिए बाय द ड्यू डेट, यहां तो ट्रस्ट को पे हुआ है और ट्रस्ट ने पैसा अपने पास रखा हुआ है ड्यू डेट तक और ट्रस्ट जाकर ये पेमेंट कर रही है December 22 में, यानी ड्यू डेट के बाद। तो एज पर इंस्टीट्यूट विच इज करेक्ट व्यू, ये एक्सपेंस आपका 43B में डिसअलाउ हो जाएगा। कैप गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ यारा लिमिटेड, इसे हम कैपिटल गेन्स के हेड में डिस्कस मतलब ले जाएंगे, तो बिजनेस इनकम से माइनस कर देंगे इसे और इसे ले जाएंगे सेपरेटली अंडर द हेड कैप गेन्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट पेज, वन ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, द असेसी हैज मेड स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वाज अप्रूव्ड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज। असेसी हैज पेड अ सम ऑफ 98,000 एज रेगुलराइजेशन फी इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेंजेस मेड इन कंस्ट्रक्शन प्लान। याद आया कुछ? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको रेगुलराइज कराने के लिए जो फीस पे करते हैं दैट इज डिसअलाउड। हमने एक ममता एंटरप्राइजेस का जजमेंट पढ़ा था, ये डिसअलाउ कर देंगे। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 1,45,000 एज एक्सपेंडिचर ऑन CSR डिसअलाउ हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सपेंड द बिजनेस एंड ओपन अ रिटेल पेट्रोल आउटलेट। Accordingly, a sum of 1,70,000 was deposited with the concerned authority. ये हम next class में करा दूंगा आपको, ये next class में करा दूंगा या maybe later on today. During the previous year 21-22, the assessee entered an agreement with BAT Limited. As per the agreement, BAT Limited had agreed not to engage in business of real estate trading. Assessee paid 11 lakh without deduction of TDS on 1-6-21 as non-compete fees. देखिए क्या खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया है। Non-compete fees को हम क्या मानते हैं? Intangibles. नॉन कंपीट फीस इज इंटेंजिबल्स। तो इसे अगर कंपनी ने डेबिट किया हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो इसे हम एड बैक कर देंगे और इस 11 लाख पर इंटेंजिबल्स के ब्लॉक में इंक्लूड करके हम 25% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। देखिए एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया कि TDS नहीं काटा आपने नॉन कंपीट फीस पर, तो क्या तब भी हम इंटेंजिबल्स के ब्लॉक में कैपिटलाइज करेंगे? यस। कहीं डेप्रिसिएशन में ऐसी कंडीशन नहीं थी कि एक्चुअल कॉस्ट में ले जाने के लिए TDS काटना मस्ट होता है? तो एज सच यहां 40A1 या 40A1A लगता नहीं है क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, तो एज सच TDS नहीं काटने से फर्क नहीं पड़ता, आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल्स ब्लॉक में ले जाएंगे, इस पे 25% डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउ कर देंगे वाली। दिस इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ 78,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड इन वेरियस बिजनेस प्रमिसेस ऑफिसेस और पूरे साल में यूज नहीं हुई। याद है मैंने आपको कराया था डिडक्शन मिल जाएगा, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ऑन October 26, out of the 5 unsold office spaces in the mall, the assessee converted one such space into own office. Uska fair market value hai 15 lakh. Cost incurred originally to construct such space was 10 lakh. Dekhiye ye amendment aa gayi. Agar aap stock and trade ko capital asset mein convert karte hain. ध्यान से देखिए क्या होगा कि कंपनी ने ओपनिंग स्टॉक में 5 फ्लैट आ रहे होंगे, क्लोजिंग फ्लैट में 4 फ्लैट आ रहे होंगे,
और फ्लैट की कॉस्ट है कितनी, 10 लाख। तो ऑलरेडी मेरा 10 लाख डेबिट हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यानी 10 लाख इंटू 5 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आ गया 10 लाख इंटू 4, यानी ऑटोमेटिक 10 लाख का डेबिट मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ गया। तो अब क्या करिए, जो FMV ऑफ द फ्लैट है उसे इनकम मान लीजिए। तो देखिए मैंने यही किया है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करिएगा, इसकी नरेशंस वगैरह पढ़िएगा मैंने किस तरह से आंसर दिया है। एक काम करिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर होमवर्क में करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 39 65 78 87 एंड 92। आप मेरी प्रेजेंटेशन देखिए, सेक्शन नंबर मत लिखिए बट नरेशन लिखिए कि क्यों अलाउड डिस अलाउड है। एक काम करते हैं, रेगुलर टॉपिक बंद करते हैं, रेगुलर टॉपिक बंद करते हैं, इस तरह के 15 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपको हेल्प चाहिए होती है वो करते हैं। आपने देखा मैंने बड़े सारे केस लॉस कराए, वो सब यहां फिट होते जा रहे हैं। इसी तरह एग्जामिनर बड़ी सारी चीजें पूछता है इन 15 नंबर के क्वेश्चंस में, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस आपको लिखवाता हूं। वो चैप्टर लीजिए जो हमने लिया था ना, एक फॉर योर प्रैक्टिस वाला चैप्टर, सो 43 भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब एक फॉर योर प्रैक्टिस चैप्टर था ना माना, 256 पर। वहां ये आप पेज 262 हमने कितने पॉइंट्स लिख लिए थे, 51 52 53 लिख लिए थे, 54 लिखिए, 54। ऑल दो हम ये डिटेल में करेंगे बट ये जो पास्ट या क्वेश्चन जब करेंगे ना तो इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। If an Indian company receives dividend from foreign company, from specified foreign company, specified foreign company. If an Indian company receives dividend from specified foreign company, then such a dividend is taxable in hands of Indian company at the rate of 15% अंडर सेक्शन 115 BBD, करेंगे इसे बाद में हम। सो इफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्स डिविडेंड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी देन सच डिविडेंड इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी एट द रेट ऑफ 15% अंडर सेक्शन 115 BBD। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लेते हैं डिविडेंड को हमेशा, एक्सपेंसेस टू अर्न सच डिविडेंड आर नॉट अलाउएबल। ये 115 BBD में लिखा हुआ है।
So expenses to earn such dividend income are not allowable. So if an Indian company receives dividend from specified foreign company, then such dividend is taxable in hands of Indian company at the rate of 15% under 115 BBD. Other source may tax with our expenses to earn such dividend are not allowable. Specified foreign company means a foreign company in which Indian company holds 26% or more equity share capital. ये हम डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। क्योंकि इस बार एग्जामिनर ये हरकत करने वाला है जो मैं बताऊंगा अभी, सुनिए पहले प्लीज। क्या था ये सेक्शन पता सरकार क्यों लेके आई थी? इंफोसिस इंडिया है, उसकी सबसे है इंफोसिस यूएस, जिसमें इंडियन कंपनी 26% और मोर इक्विटी शेयर होल्ड करती है। इसके प्रॉफिट्स यूएस में टैक्सेबल है। ये इंफोसिस ये पैसा इंडिया नहीं लेके आती थी, इंफोसिस ये पैसा, ये सब कुछ बाद में कराऊंगा आपको फोर्थ मॉड्यूल में, पर अभी बता रहा हूं ताकि याद रह जाए आपको। इन्फोसिस से पैसा इंडिया इसलिए नहीं लेके आती थी क्योंकि इंडिया लाती 30% टैक्स लग गया, इसलिए इस तरह की कंपनी पैसा बाहर रखती थी। सरकार ने इंसेंटिव देना था पैसा इंडिया में लेके आइए, एक इंसेंटिव हुआ लाइए डिविडेंड, हमसे 15% टैक्स करेंगे, 15% टैक्स करेंगे। बट इस डिविडेंड को कमाने के लिए जो एक्सपेंसिस है वो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक, जैसे ये 100 करोड़ लेके आए, ठीक, तो 100 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा 15% पर। इसके आगे सुन के भूल जाइएगा, इसके आगे सुन के भूल जाइएगा, फाइनेंस एक्ट 20 बोलता है कि इन्फोसिस जब इसे बांटेगी आगे तो ATM डिडक्शन मिल जाएगी। कुछ नया सेक्शन आया फाइनेंस एक्ट 20 से, तो बेसिकली इंसेंटिव दे रहे हैं कि फॉरेन सब्सिडी से पैसा इंडिया लेके आइए, काफी है। ये सोच छोड़िए, इसे छोड़ दीजिए, क्लियर? तो आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे उसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अल्फा INC US 10 करोड़ क्रेडिट किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, उसको इनका उसको अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस है 5 लाख, क्या करेंगे आप? एक्सपेंसेस को एडबैक कर देंगे, डिविडेंड इनकम को लेस करेंगे टू बी टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस, और अदर सोर्स में टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ 15%। पॉइंट नंबर 55 लिखिएगा, इफ अ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी इसे बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी, गिव्स अ लोन और एडवांस टू अ शेयर होल्डर हु होल्ड्स
10% or more equity shares in the company, तो क्या होगा? Anyone knows? आज मैं VGLD से लोन नहीं ले सकता। अगर मैं VGLD से लोन ले लेता हूं, that is a deemed dividend in my hands. Taxable at 30% normal tax rate. So अगर private company, unlisted company लोन देती है, advance देती है किसको? एक shareholder को। कौन सा shareholder? के जिसके पास 10% or more equity shares in the company है, then the loan advance is deemed as dividend under section 222E. किसके हाथ में? In hands of shareholder. To the extent, किस एक्सटेंट तक डीम्ड डिविडेंड होगा? ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द कंपनी। सो आप देखेंगे जो पास के क्वेश्चन है उसमें ये बहुत क्वेश्चंस में मिलेगा, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं ये। VGLDI प्राइवेट कंपनी है, मेरे पास 10% और मोर शेयर्स है, कंपनी के रिजर्व सरप्लस है मान लीजिए 10 करोड़। कंपनी VG को लोन देती है 9 करोड़ का, तो क्या होगा? 9 करोड़ इज डीम्ड डिविडेंड इन माय हैंड। कंपनी मुझे 19 करोड़ का लोन देती है, देन जितने रिजर्व सरप्लस है उतना डीम्ड डिविडेंड होगा। सो 10 करोड़ विल बी डीम्ड डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ VG। क्लियर? चलिए, अगर MD मैनेजिंग डायरेक्टर को लंदन में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की मीटिंग अटेंड करने जानी है, मैनेजिंग डायरेक्टर को लंदन में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की मीटिंग अटेंड करनी है, वो अपनी वाइफ को साथ ले जाता है। वाइफ का एयर ट्रेवल टिकट, होटल में भी स्टे करती है। ये वो कहता है, वाइफ गई आपके साथ, ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस है, मैं डिसअलाउ करूंगा। डिसअलाउ होंगे या नहीं? डिसअलाउ होंगे। कोर्ट्स ने कहा डिसअलाउ नहीं होंगे। आज देखिए, जब ये जो था अपना US वाला, क्या नाम है, US प्रेसिडेंट ट्रंप, ट्रंप भी जब इंडिया में आया था अपनी वाइफ को साथ लेके आया था। सो बड़ा कॉमन होता है कि इस तरह के बिजनेस फंक्शंस वगैरह में जाते हैं लोग, अपनी वाइफ को साथ लेके जाते हैं। एंड देयरफॉर कोर्ट्स का ये ट्रेडिशनल है कि इस तरह के फंक्शंस पे, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स वगैरह पे वाइफ साथ जाती है। एंड देयरफॉर कस्टमरी इन नेचर है, एंड देयरफॉर अलाउएबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। देखिएगा पेज 257 पॉइंट नंबर 10। पेज 257 पॉइंट नंबर 10, एक्सपेंस ऑन ट्रेवलिंग ऑफ वाइफ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर टू बेजलिंग ऑन द इन्विटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स चैंबर्स चाइना इज एन अलाउबल एक्सपेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ
commercial expediency and business consideration, and hence disallowance is not attracted. पॉइंट 11 को मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा. पेज 258 पॉइंट 11 को मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा. इधर देखिए इशू क्या है. मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मैं इसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराता हूं कि इसको और अच्छा बनाता हूं. फिजिबिलिटी स्टडी कराई और उस वक्त 500 रुपए खर्च कर दिए, बट अल्टीमेटली पता चला जो फिजिबिलिटी स्टडी हुई सब बेकार है. मेरा तो यही प्रोडक्ट ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट करूंगा तो उल्टा सेल डाउन हो जाएंगी. तो मैंने फिजिबिलिटी स्टडी की एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए, और फिजिबिलिटी स्टडी अल्टीमेटली बेकार हो गई. बताइए उसका एक्सपेंडिचर मुझे अलाउ हो जाएगा या नहीं? अलाउ हो जाएगा. कंसिस्टेंटली कोर्ट ने यह बात कही है. बट अगर मैं नए प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा हूं, अगर मैं नए प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा हूं और प्रोजेक्ट अबेंडॉन करना पड़ गया मुझे बिकॉज फिजिबिलिटी स्टडी ने कहा कि भाई बेकार है वो आपके लिए. अभी मैं पेन बनाता हूं, अब कहता हूं ग्लास बनाने जा रहा हूं. अभी पेन बना रहा हूं, अब नया प्रोजेक्ट आ रहा हूं ग्लास बनाने का. फिजिबिलिटी स्टडी कराई, 10 करोड़ रुपए खर्च किया और अल्टीमेटली पता चला जी मैं अगर ग्लास बनाऊंगा तो लॉसेज में चला जाऊंगा, उल्टा बिकेंगे नहीं ग्लास मेरे, इतना कंपटीशन है चाइना वगैरह का. इसलिए मैंने प्रोजेक्ट अबेंडॉन किया, नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, नया प्रोडक्ट शुरू कर रहा था. बताइए ये एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू नहीं होगा. अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट अगर नए प्रोजेक्ट के लिए है, अगर नया प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता उसकी कॉस्ट में एड कर देते हो, बट सिंस प्रोजेक्ट मुझे अबेंडॉन करना पड़ा, देयरफॉर दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी डिसअलाउड. This is a capital expenditure to be disallowed. Point 11, most, most important. Payment towards feasibility study conducted for examining the proposals for technological advancement relating to existing business, where the project was abandoned without creating an asset, is allowable as revenue expenditure? Yes. क्योंकि existing business के लिए है. Since the feasibility study was conducted by the assessee for the existing business and the study was abandoned without creating the new asset, the expenditure is revenue in nature. Point 16 देखिएगा. Yeah, एक मिनट. पॉइंट 11 क्या के लिखिए, पॉइंट 11 क्या के नोट लिखिए. इफ द सेड एक्सपेंडिचर वॉज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोजेक्ट, एंड न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोजेक्ट वॉज अबेंडॉन्ड, खत्म कर दिया गया देखो. देन सच एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर to be disallowed.
लास्ट थिंग फॉर टुडे पॉइंट 16 लास्ट थिंग फॉर टुडे पॉइंट नंबर 16 expenses on foreign travel of two directors for a collaboration agreement which failed to materialize where such expenditures are incurred for a project not related to existing business aage mat padhiyega kya hoga capital expenditure capitalize nahi hoga and the project was abandoned without creating a new asset the expenditure is capital in nature to be disallowed कैपिटलाइज करेंगे नहीं क्योंकि प्रोजेक्ट टेक ऑफ ही नहीं किया क्लियर तो प्लीज मैंने 5 क्वेश्चंस दिए उनको करिएगा एक दो क्लास और हो जाए तो हम और क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे आपने देखा भी हमने नवंबर 19 का क्वेश्चन किया अच्छा भला कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपको कि 15 नंबर आप आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इन द 10 क्लासेस विल स्टॉप हेयर